अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन रोज़ा रखा तो अल्लाह पाक उसको जहन्नम से इतना दूर कर देंगे जैसे एक कौवा बचपन से उड़ना शुरू करे और बुढ़ापे तक पहुँच कर मर जाए। जी मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान। मेरे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। रमज़ान का समा समा डिजिटल पर अफ्तारी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। रमज़ान का समा एक बार फिर लेकर आया है, रहम तो बरकत तो मगफरत तो वाला समा। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते चलिए आज के हमारे एक्सक्लूसिव मेहमान कौन हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शौकत खानम मेमोरियल सेंटर एंड रिसर्च जो सेंटर है उसके CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो कि शौकत खानम की जो पेशावर की ब्रांच है, जो कराची में भी कंस्ट्रक्शन फेज पे जो ब्रांच है उसके CMO है। एंड ही इज़ ऑल्सो गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट। ही स्टडीड MBBS फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने इंटरनल मेडिसिन में UKC की। तो चलिए आइए उनसे मिलते हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर आसिम यूसुफ की। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं कारी अताउल मनान वारसी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब। और कुछ ही देर में हमारे और एक्सक्लूसिव मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, जिनमें एक पॉलिटिशियन भी हैं, बड़े जाने माने पॉलिटिशियन हैं, और थोड़ी देर में फिर हमें ज्वाइन करेंगे साहिल अदीम साहब भी। और जैसा कि बुशरा आपने कहा, यकीनी तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि ये माह मुबारक हमें बिल्कुल अपनी इस्लाह का एक सबक देता है, हमें बर्दाश्त का सबक देता है, और हमें जो बाहमी रवादारी है जिसकी मुआशे में बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है उसका सबक देता है, इसार और क़ुरबानी का भी सबक देता है। तो हमारे लिए ये मुबारक लम्हात हैं, बजाय इसके कि हम जो हर वक्त की अपनी रोज़मर्रा की वक्त गुजारने का हमारा मामूल है बातों में करते रहते हैं, बिल्कुल, या गैर ज़रूरी तौर पर कह के लगाते हैं में मसरूफ़ रहते हैं, तो ये माह मुबारक हमें मौका ज़रूर फ्राहम करता है कि वापस आएँ और अल्लाह से जुड़ें, अल्लाह से जुड़ने का मौका देता है। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में। जनाब कारी अताउल मनान वारसी साहब, आपसे गुजारिश है कि तलावत कलाम पाक पेश फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء والظالمين
जनाब कारी अताउल मन्नान वारसी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मजीद ताकत हिम्मत और उस्ताद अता फरमाए कि आप ऐसे ही इससे भी बेहतर अंदाज में कुरान करीम की तलावत करते रहें और आपकी ज़िंदगी ऐसे ही कुरान पढ़ते पढ़ते सुनाते सुनाते लोगों को गुजरे। जी सर, हम बात करते हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ से। तो सर मुझे बताइए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, रमज़ान का समय, रमज़ान चल रहा है, तो आपका रमज़ान कैसा चल रहा है? ठीक सो फार माशाल्लाह। और आप बता रहे थे कि यू वर ट्रैवलिंग एज़ वेल एंड यू वर इन पेशावर। जी, कल रात को पेशावर में था। शौकत खानम के बहुत सारे इफ्तार फंड रेजर्स होते हैं रमज़ान में, तो तकरीबन रोज़ ही किसी ना किसी शहर में हमारे पाकिस्तान में भी और मुल्क से बाहर भी फंड रेजर्स होते हैं, जिसमें बहुत सारी हम ज़कात ज़्यादातर जो है रमज़ान में ही कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम काफ़ी ट्रैवल करते हैं रमज़ान। यूजुअली आप लोग रमज़ान में ही एग्जीक्यूट करते हैं सारे फंड रेजर इवेंट्स। तो मुझे ये पता है, जब मैं पेशावर शौकत खानम की बात करती हूँ, ज़कात बेसिस राइट, पेशावर की शौकत खानम की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे कितना ऑपरेशनल है, इज इट ऑपरेशनल, किस हद तक काम वहाँ पे चल रहा है? तो पेशावर का हमारा दूसरा हॉस्पिटल है जो कि दिसंबर 2015 में खुला था, और वो फुली फंक्शनल है। वो टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल है, जिस तरह लाहौर का है, जिसका मतलब है कि तमाम जो तशखीस की और इलाज की सहूलियात हैं वो एक ही फैसिलिटी में फराहम की जाती हैं मरीज़ों को, और वो 8 साल से ऑपरेशनल है। तमाम जो फैसिलिटीज़ लाहौर में हैं एग्जैक्टली वही पेशावर में भी हैं। और लाहौर ओवरऑल हमारी स्टेटिस्टिक्स हैं कि 75% से ज़्यादा जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं उनका कम्प्लीटली फ्री इलाज होता है, लेकिन पेशावर में 93% का जो है वो फ्री इलाज होता है, सिर्फ 7% अभी पे करते हैं। और ये कैटेगराइज बेस पर होता है, आप लोग कुछ कैटेगराइज करते हैं जब पेशेंट्स को आप लोग प्रोसीजरल प्रोसेस से गुजारते हैं, तो आप लोग कैसे वो आइडेंटिफाई या वेरीफाई करते हैं कि उनको हमने फ्री इलाज करना है? सो जब कोई भी पेशेंट एक्सेप्ट होता है फॉर ट्रीटमेंट, तो उनका एक फाइनेंशियल असेसमेंट होता है। अगर वो कहें कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इनका वन टाइम फाइनेंशियल असेसमेंट होता है, ये नहीं कि बार बार हर चीज़ के लिए उनको पूछा जाएगा। एक दफ़ा एट दी आउटसेट फाइनेंशियल असेसमेंट होता है, बहुत सारे केसेस में तो काफ़ी क्लियर होता है, ऑब्वियस होता है। जब हमें कोई भी डाउट हो, तो हम जो लोकल उनके ज़कात काउंसलर्स हैं उनसे सर्टिफिकेट मंगवाते हैं, हमारे अपने फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स भी हैं जो जाके चेक भी कर सकते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर कोई फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर और मरीजों के लिए काफ़ी सहूलतमंद है। And it's 100% free for those who जो, deserve. जो 75% है उनका totally free, completely free. जो afford कर सकते तो उनको आप लोग जो 20% के करीब हैं वो fully pay करते हैं अपने care के लिए लाहौर में, और partial support भी available है। अगर कोई कहे कि मैं कुछ हिस्सा दे सकता हूँ बाकी नहीं दे सकता, तो फिर hospital बाकी को support करता है। ठीक हो गया। ये जो जैसे आपने कहा कि वहाँ पर 93% 93% जो लोग हैं उनका वहाँ पर इलाज होता है Completely free. ये जो आप फंडिंग होती है जी, इसमें मुख्तस होता है कि ये वाले सेंटर के लिए ये वाली फंडिंग ये सेंटर के लिए, या एक ओवरऑल बजट ओवरऑल कलेक्टिव? बिल्कुल, जितने मरीज जहां होते हैं उसके मुताबिक वहां पैसे हमें देते हैं। ठीक है। और जो ज़कात है वो एक्सक्लूसिवली पेशेंट केयर के लिए खर्ची जाती है। ठीक है। पेशेंट केयर के लिए, ये नहीं कि बिल्डिंग्स बनाए उससे या इक्विपमेंट खरीदें मशीनरी खरीदें, वो सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट केयर पर खर्ची जाती है। जिस साल में जमा की जाती है उसी साल में खर्ची जाती है, आगे के लिए बचा के नहीं रखते उसको। ठीक है। और हर पेशेंट को ज़कात देने से पहले हम उसका असेस करते हैं, एक सेपरेट असेसमेंट होती है कि वो ज़कात के मुस्तहिक हैं कि नहीं। कि ये ज़कात के ही अंडर कैटेगरी में आपको इलाज करवाया जाए, क्योंकि वो इट कुड बी ज़कात, ज़कात और डोनेशन। बिल्कुल। सो अगर कोई हो जो कि ज़कात के लिए एलिजिबल नहीं है, या जो ज़कात ना लेना चाहे लेकिन फिर भी फाइनेंशियली उनको ज़रूरत है सपोर्ट की, तो फिर उनको नॉन ज़कात कौन से मेजर 5 से 6 किस्म के ऐसे कैंसर है बॉडी के जो कि आप लोग ने ज्यादा देखे कि उसको आप लोग डील कर रहे हैं डे टू डे? सबसे जो कॉमन कैंसर है हमारे यहाँ मुल्क में भी और हमारे हॉस्पिटल में भी, वो ख़वातीन में छाती का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद एज अ ग्रुप जो आंतरियों का और मेदे का कैंसर होता है, बड़ी आंत का और मेदे का। फिर है ओरल कैविटी, मुंह का, जबान का, गाल का, दांतों जो गम्स हैं मसूड़ों का उसका, और ये खास तौर पे पान, छालिया, गुटखा, नस्वार, सिगरेट स्मोकिंग से उससे ये ज़्यादा उनमें कॉमन होता है अक्सर। हाँ, अक्सर। और चौथे पे फिर लिम्फोमा आता है, जो कि लिम्फ नोड्स का गुदूद जो होते हैं गर्दन में, बगल में वगैरह,
उनका कैंसर होता है, और फिर खाने का नाली का पांचवा कैंसर है कॉमन। इसमें ये जो पांच किस्म के आपने बताए हैं, इसकी वजह क्या है ज्यादातर? सबकी मुख्तलिफ वजह हैं, बट कुछ ओवरराइडिंग थीम्स कॉमन हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर भी, बड़ी आंत का कैंसर भी ज्यादा कॉमन उनमें होता है जो ओवरवेट हो। ओवरवेट हो, ख्वातीन में ब्रेस्ट कैंसर उनमें ज्यादा होता है जिनका बहुत सारे प्रेगनेंसीज हुई हो, जिन्होंने ब्रेस्ट फीड ना किया हो। अगर ब्रेस्ट, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है, अगर माँ का दूध खुद माँ पिलाए तो वो प्रोटेक्शन होती है ब्रेस्ट कैंसर की। सो हार्मोनल रिलेटेड होता है ब्रेस्ट कैंसर अक्सर। जेनेटिकल भी है या नहीं? जेनेटिक भी कंपोनेंट है, और हमारे यहाँ क्योंकि कजन मैरिजेस बहुत होती हैं तो वो जेनेटिक जो रिस्क हैं वो एम्पलीफाई या मल्टीप्लाई होते हैं। अगर एक साइड से म्यूटेशन आ रही हो तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगी, यानी कि उसकी वजह से कैंसर नहीं होगा। लेकिन अगर पेरेंट्स रिलेटेड हैं, दोनों में वो म्यूटेशन है, तो फिर ज्यादा रिस्क होता है कि बच्चे। अंतड़ियों का जो आपने बताया, ये ओवरवेट होने की वजह से इसका। बड़ी आंत का कैंसर का एक रिस्क फैक्टर ओवरवेट होना है, लेकिन मुख्तलिफ और भी चीजें हैं। रेड मीट जो है गाय का या बकरे का ज्यादा इस्तेमाल करने से होता है, फैट ज्यादा से क्या मुराद है, मतलब उससे कोई एब्सोल्यूट लिमिट नहीं है, लेकिन हमारे कल्चर में जैसे रेड मीट ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनमें देखा गया कि ये रिस्क कम होता है। तो आप रेड मीट की जो बात करते हैं, तो अगर कोई हफ्ते में 3 या 4 बार खा रहे तो वो एक बार खाए या एक या दो दफा? एवरीवन शुड बी अवेयर अबाउट इट। एक या दो दफा ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक या दो दफा। वेजिटेबल्स और फाइबर ज्यादा खाने से ये रिस्क कम होता है। कम, ठीक है। सो फाइबर होता है खुराक में, सब्जियों में, कच्ची सब्जियां खास तौर पे, फल में, बहुत सारी सब्जियां और फल जितने भी हो सके छिलके समेत खाने चाहिए, क्योंकि उससे कैंसर का रिस्क कम होता है। साबुत गंदम वाली जो रोटियां हैं उससे रिस्क कम होता है, फाइबर ज्यादा होता है उसमें। और जो सॉरी एक चीज मैं और जरूर कह दूं कि बहुत कुछ कैंसर हैं जो प्रिवेंटेबल हैं। सो ये जो तंबाकू, नसवार, पान, छालिया, गुटखा, ये चीजें ना खाएं तो बहुत सारे जो मुंह के फेफड़े के कैंसर हैं, स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है वो नहीं होगा। हेपेटाइटिस बी और सी से लिवर कैंसर होता है। सो हेपेटाइटिस सी अगर है तो उसका इलाज कराना चाहिए, और हेपेटाइटिस बी की सबको वैक्सीनेशन करानी चाहिए। और ये जो दूसरा आपने बताया दूध का, ये लिम्फोमा का, हाँ लिम्फोमा का इतना क्लियर वैसे कोई रिस्क नहीं है कि जिससे वो प्रिवेंट हो सके। कुछ वायरल इन्फेक्शन हैं जिससे लिम्फोमा कॉमनली होता है, लेकिन वो कॉमनिस्ट कॉज नहीं है लिम्फोमा। ये जो एंजाइटी है और उसके साथ साथ ये जो दूसरे, मतलब ब्लड प्रेशर है या आपको ज़हनी तौर पर आप स्टेबल नहीं है, मतलब कंफर्टेबल नहीं है, ये चीज़ें कितनी असरअंदाज होती हैं इन सारे अमराज में? इनका कोई डायरेक्ट उस तरह लिंक नहीं है जहाँ तक हमें पता है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज करने से कम होती हैं, और एक्सरसाइज करने से, हेल्थी बॉडी वेट मेंटेन करने से बहुत सारे कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। नेचुरल डाइट, नहीं हमें वो इन मॉडरेशन, हर चीज़ इन मॉडरेशन होनी चाहिए। बिल्कुल से ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बाहर खाना चाहिए, लेकिन इन मॉडरेशन खाना चाहिए। Can we have a caller? Yes, we can have. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सरफराज बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरा ना एक मुफ्ती साहब से सवाल है कि एक तो वो ज़कात का पूरा प्रोसेस बता दें, दूसरा एक बंदा एक महीने में ना कभी साहिब इख्तिताद होता है, अगले महीने वो मुफलिस होता है, तो उसके लिए ज़कात का क्या हुक्म है? ठीक है जी, ज़कात की अदायगी का और ज़कात कब फ़र्ज़ हो जाती है उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और ये अक्सर सवाल वो है कि जिससे अमूमी तौर पे लोग ना वाकिफ़ हैं ज़कात की अदायगी के तरीक़ाकार से, और बिलखसूस साहिब निसाब होने के हवाले से। याद रखें कि इस्लाम ने कुछ निसाब मुतारफ़ करवाए, और अब उनमें हमने देखना ये होता है कि जिसकी कीमत कम बनती है ना, हम उसको लेंगे ताकि एहतियाती कौल के ऊपर अमल हो जाए। मसलन इस्लाम ने हमें यूं समझ लें कि ज़मीन के हवाले से निसाब अलहदा बताया है, इसी तरह किसी के पास जानवर हैं उनका निसाब अलहदा है, किसी के पास चांदी है उसका निसाब अलहदा है, सोने का निसाब अलहदा है। तो जब ये सारी की सारी चीज़ें अलहदा अलहदा हम अकाउंट करें, किसी के पास अगर सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मौजूद हैं तो उनका अलहदा अलहदा हिसाब भी लगाया जा सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे हमारे पास आज करेंसी मौजूद होती है, तो करेंसी को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें चांदी में कन्वर्ट करना होगा। वो चांदी में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, उसकी वजह ये है कि आज चांदी सस्ती है सोने की निस्बत से,
तो हमने चांदी का निसाब लेना है ताकि गुराबा का फायदा भी हो जाए और एहतियाती कौल पर अमल भी हो जाए। अब ज़कात के अंदर एक चीज़ जो शर्त होती है ना कि साल गुजरना, यहाँ पे अक्सर लोग खता खा जाते हैं कि साल गुजरने से मुराद क्या है। बड़ा प्यारा सवाल किया भाईजान आपने कि एक बंदा एक महीने में साहिब निसाब होता है, साहिब निसाब से मुराद ये है कि उसके पास इतनी रकम मौजूद हो जितनी रकम से 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सकती हो। अब एक बंदे के पास एक महीने में तो इतने पैसे मौजूद थे, अगले महीने में क्या हुआ कि पैसे उसके पास नहीं रहे, तीसरे महीने में मिसाल के तौर पे फिर आ गए, चौथे में फिर नहीं रहे, इस तरह मामला चलता रहा। तो ये आपने उसूल याद रखना है कि जब एक मर्तबा कोई बंदा जिस तारीख को साहिब निसाब हो जाता है तो अगले साल उसी तारीख को उसने देखना है कि उसके पास क्या कुछ जमा है। अब जितना कुछ भी उसके पास जमा होगा उसको जो ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा है उस पर वो ज़कात की अदायगी करेगा। मिसाल के तौर पे एक महीने में साहिब निसाब था, अगले में नहीं रहा, फिर अगले महीने में साहिब निसाब हुआ, फिर साल बाद जाके वो उस तारीख को साहिब निसाब हुआ, तो जिस तारीख को एक मरतबा साहिब निसाब हुआ था अगले साल उसी तारीख को देखेंगे उसके पास क्या कुछ मौजूद है। तो ये होता है साल का गुजरना, वरना तो फिर बाज़ दफ़ा कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मद्देनजर रखना इंतहाई ज़रूरी है। जहाँ तक है ना ज़कात की अदायगी का ताल्लुक, तो ये मैं उसूल बता दूँ। हमारे यहाँ पर जो मौजूद हैं इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि हम जो ज़कात की रकम है उसको अलहदा से मैंशन करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। बाज़ इदारे ऐसे होते हैं कि जो इसका ख्याल नहीं रखते। ज़कात के लिए ना तो किसी बिल्डिंग को ज़कात लगती है, ना ही किसी खास चीज को ज़कात लगती है। ज़कात के लिए ज़रूरी है कि जिसको आप ज़कात दे रहे हैं ना वो ज़कात लेने का अहल हो। इसीलिए बाज़ इदारे जो है ना जिसको ज़कात की वसूली के लिए बिठाया होता है वो खुद साहिब निसाब नहीं होता, वो अपनी तरफ से ज़कात को वसूल करता है और फिर हिबा करता है या तोहफा उस इदारे को दे देता है। तो ये एक हीले के ज़रिए ज़कात किसी बिल्डिंग को या किसी इदारे को दी जा सकती है। वरना अगर आप ये कहें कि एक बंदा ज़कात की अदायगी कर रहा है और किसी बिल्डिंग को ज़कात दे रहा है तो बिल्डिंग किसी शख्सियत का नाम नहीं है। ज़कात के लिए मालिक बनाना शर्त होता है और जिसको ज़कात दे रहे हैं उसका मुस्तहिक होना भी ज़रूरी होता है। ये चीज़ें जो है ना इनको जरूर देखना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने हाईलाइट किया कि ज़कात जो है वो ऑब्वियसली जब इस्तेमाल की जाए तो बताया भी जाए और इसको अलग रखा जाए। नहीं, बताना उस जगह पे जरूरी है कि जहाँ पे ना आपको शुबा आ जाए, आपको शक आ जाए ना कि पता नहीं ये बंदा ज़कात लेने का अहल है भी या नहीं, तो उसको बता देना चाहिए ताकि अगर तो वो अहल होगा तो वो कहेगा ठीक है मुझे ज़कात लगती है, और अगर वो अहल नहीं तो वो अपनी तरफ से मना कर दे कि भाई मैं साहिब इस्तेतात हूँ मुझे ज़कात के पैसे नहीं लगते। लेकिन जहां पर आपको यकीन हो कि ये बंदा ज़कात लेने का अहल है लेकिन मेरे बताने पर हो सकता है वो सफेद पोश है और अपनी इज्जत की वजह से वो ज़कात नहीं देगा तो फिर उसको ना बताना बेहतर है। तो जिसको ज़कात दे रहे हैं उसका अहल होना जरूरी है, बताना शर्त। मुफ्ती साहब, जैसे भी आपने कहा कि किसी बिल्डिंग को ज़कात नहीं लगती है तो एक सवाल फिर ये जहन में आता है कि चूंकि अगर एक काम सारे का सारा, अगर फर्ज कर लें पूरा इदारा उसके ऊपर इन्हिसार उसका है कि ये सारा एक फलाही इदारा है और सारे का सारा इसका निज़ाम चलता है ज़कात के पैसों से और जितने भी लोग वहाँ पर आते हैं उनका इलाज होता है इस अतिये से, तो अगर उसके लिए बिल्डिंग बनती है तो उसका मसरफ भी तो वही लोग हैं जिनके ऊपर इस्तेमाल, अगर बिल्डिंग बनती है ज़कात के हकदार लोग ही उस वहाँ पर उनका इलाज होता है, वहीं से उनका खाना होता है, वहीं पर वो रहते हैं, क़याम करते हैं, ताम करते हैं, सेहत पाते हैं। तो देखें हमने ना हमने उसूल तो लेना है शरीयत से, तो शरीयत ने हमें एक सवाल भी ले लें जरा। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब है, कहाँ से जी? अस्सलाम वालेकुम जी, जावेद बात कर रहा हूँ लाहौर से, मेरा सवाल मुफ्ती साहब से है। जी 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 मुफ्ती साहब, हमने 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी के हवाले से सुना हुआ जो कि ज़कात की जो है वो साहिब निसाब इसमें हो जाता है। मेरा सवाल ये है कि जो जहेज में खवातीन सोना अपने साथ लाती हैं वो अगर 7.5 तोले सोना मौजूद है तो वो तो कोई मतलब ऐसा कोई काम नहीं करती कि वो ज़कात अदा कर सकें, तो वो ज़कात की मलकियत जो है वो एक तो उसको वाजे कर दीजिए कि वो ज़कात की मलकियत बेगम की है और उसकी अदायगी जो है वो उसका मियाँ करेगा या फिर वो किस तरह से इसको कंप्लीट किया जाएगा।
जी अब जरा एक्सप्लेन कर। उन्होंने कहा जी कि ये जो अगर एक खातून है शादी हुई है उसके पास 7.5 तोले सोना है और चूंकि वो खातून काम तो नहीं करती हैं एक घर में रहती हैं और अगर साल पूरा गुजर गया है 7.5 तोले सोना उसके पास मौजूद है तो उसकी ज़कात कौन अदा करेगा, क्या उस पर ज़कात लगती भी है या नहीं लगती, और अगर अदायगी होगी तो खातून की तरफ से होगी उसके मियाँ की तरफ से होगी। देखिए सोना एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी हाल में भी हो ना तो उसकी कीमत बढ़ती रहती है और वो माल शुमार होता है। बाज ने यहाँ पर कैद लगाई जिस तरह के अरब के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि जो जेवरात इस्तेमाल में होते हैं उन पर ज़कात नहीं होती, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमने जब देखना है कि एक माल के अंदर बढ़ोतरी होती है ना तो उस पर ज़कात। सोना एक ऐसी चीज़ है कि किसी हाल में भी हो तो वो माल समझा जाता है और एहतियात का तकाजा इसी के अंदर है कि जब 7.5 तोले वो पहुंच जाए तो वो निसाब बनता है तो उस पर ज़कात की अदायगी लाजिम है। अब मसला ये है कि क्या खातून अदा करे या खावन, तो अगर उसका खावन भी उसकी तरफ से अदा कर देता है ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन जिसकी मिल्कियत के अंदर वो सोना है ना ज़कात उसके ऊपर लाजिम है। अब जब हम बात करते हैं ना वैसे हुकूक़ की तो फिर ख़वातीन कहती हैं हमें हुकूक़ मिलने चाहिए, लेकिन जब ज़कात की अदायगी की बारी आती है या फिर कुर्बानी की बारी आती है तो फिर ख़वातीन की तरफ से ये सवाल होता है क्या हमें भी कुर्बानी करनी है, क्या हमें भी ज़कात अदा करनी है। तो ज़ाहिर है जिसकी मिल्कियत के अंदर माल होगा उसी को हम देखेंगे, तो अगर तो खातून की मिल्कियत शुमार होता है तो खातून को ही ज़कात अदा करना लाजिम है, अगर नहीं अदा करती तो खातून गुनाहगार है। अभी मसला ये है कि उसके पास और है ही कुछ नहीं। तो प्यारे भाई देखें इस्लाम तो ना बड़ा प्यारा दीन है और बड़ा फितरत के ऐन मुताबिक दीन है। अल्लाह ना करे, मैं ये कोई अपनी तरफ से उसके खिलाफ दुआ नहीं कर रहा, अल्लाह ना करे उसका नुकसान हो जाता है तब भी तो बर्दाश्त करना है ना। तो जब दिल बड़ा करते हुए हम उस माल की ज़कात अदा करेंगे ना तो ज़कात का माना दो माने हैं ज़कात के, एक माना होता है पाक करना, एक माना होता है बढ़ोतरी। तो यकीनी तौर पे जिस माल की ज़कात अदा की जाए उस माल में बरकत भी होती है, पाक भी हो जाता है, उसमें बढ़ोतरी भी होती है। तो अगर बिल फर्ज उसको कर्ज उठा के भी ज़कात अदा करना पड़े तो उसके ऊपर लाजिम है, ये तो है उसूल। लेकिन अगर बिलफर्ज वो भी अदा नहीं करती तो उसके ज़िम्मा ये लाजिम होगी जब भी मतलब इसको फुर्सत मिले पहली ही फुर्सत में इसको अदा करना अदा करनी। असर ये जब हम अमूमी तौर पर बात करते हैं ये जितने भी ये जो आगाही मुहिम है आपको लगता है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, लोग अवेयरनेस जा रही है लोगों में और लोग अपने जो मामूलाते ज़िंदगी है उनको बदल रहे हैं, बीमारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो कहते हैं ठीक है यार अल्लाह वालों आगे सड़े दे? नहीं, आई थिंक इससे सर्टनली फ़र्क पड़ता है। 30 साल पहले जब शौकत खानम खुला था लाहौर में, हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बात शुरू की थी, उस वक्त आप मीडिया पर बात भी नहीं कर सकते थे इसके बारे में। अब आप देखें तो हर साल अक्टूबर के महीने में सारे TV शोज़ पे बिल्डिंग्स लाइट अप होती हैं एंड हमने साइंटिफिकली भी इसको एग्जामिन किया है और हमारा ख्याल है कि कुछ स्टेज माइग्रेशन शुरू हुई है। यानी कि शुरू में जब हमने खोला था शौकत खानम तो Stage 3 और Stage 4 जो लास्ट स्टेज है उस पे ज़्यादातर पेशेंट्स आते थे ब्रेस्ट कैंसर के, ठीक है। अब हमने शुरू अभी भी ज़्यादातर Stage 3 में आते हैं लेकिन कुछ हम Stage 2 में भी अब ज़्यादा देख रहे हैं मरीज, जो कि इसी वजह से है कि अवेयरनेस ज़्यादा हुई है, आगाही हुई है और तशखीस की फैसिलिटीज़ भी बेहतर हुई हैं, हेल्थ केयर ओवरऑल इम्प्रूव हुई है। हम Stage 3 तक सपोर्टेड पेशेंट्स को लेते हैं, यानी कि जो ज़कात से जिनका Stage 4 के अमूमन हम सपोर्ट पे नहीं लेते क्योंकि जो जैसे बात अभी हो रही थी ज़कात एक सेक्रेट ट्रस्ट है, लोग हमें देते हैं ज़कात ये सोचते हुए कि हम उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे और हमारा ख्याल है कि ज़कात उस तरह उन मरीज़ों पर खर्च होनी चाहिए जिनका सबसे ज़्यादा इम्कान है कि मुकम्मल इलाज हो सके, वो वापस अपने ख़ानदान में जा सकें, अपने बच्चों को पाल सकें, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकें। द फैक्ट इज़ कि 1,80,000 कैंसर पेशेंट्स होते हैं, हमारे पास तकरीबन 45,000 मरीज़ आते हैं हर साल जिनमें से हम तकरीबन 14,000 मरीज़ एक्सेप्ट कर पाते हैं। 45,000 आते हैं और 14,000 हम एक्सेप्ट कर पाते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा मरीज़ हैं और इतने ज़्यादा मरीजों को आप एक या दो हॉस्पिटल्स में नहीं ट्रीट कर सकते, इसीलिए हम कराची में तीसरा बना रहे हैं। Stage 1 या प्री कार्सिनोमा, जी जी, 1 या 2 को आप ले लेते हैं, 3 को भी ले लेते हैं, लेकिन 3B है वो एडवांस स्टेज हो जाती है, राइट जी, और 3B और 4 स्टेज वालों को आप नहीं सो हर कैंसर फर्क है,
ब्रेस्ट कैंसर की मैं बात कर रहा हूँ कि स्टेज थ्री हम तक हम लेते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ और कैंसर, कुछ कैंसर हैं जिनको स्टेज फोर में भी हम लेते हैं क्योंकि वो स्टेज फोर में भी काबिल इलाज होते हैं। एब्डोमिनल का हो गया, एब्डोमिनल में बहुत सारे होते हैं ना, बट जैसे बड़ी आंत का कैंसर है वो स्टेज थ्री बी तक भी हम लेते हैं, स्टेज फोर भी लेते हैं, अगर लिवर में हो फॉर इंस्टेंस तो हम वो भी लेते हैं क्योंकि वो भी काबिल इलाज होते हैं, बट अगर काबिल इलाज स्टेज फोर वाला ना हो फिर हम नहीं लेते। अपॉइंटमेंट्स किस तरह होती है, मतलब देयर वाज अ अराउंड देयर इज एन एग्जांपल कि एक अपॉइंटमेंट थी फॉर सम 3B स्टेज, तो वो अपॉइंटमेंट ही 1.5-2 महीने बाद आ रही थी, तो क्या ऐसा है कि आप लोग के एंड में अपॉइंटमेंट्स डिले होती है? नहीं, दैट्स नॉट करेक्ट। इन फैक्ट जो हमारे सपोर्टेड पेशेंट्स होते हैं, जो एक्सेप्ट, हमारे जो को वैल्यूज हैं क्वालिटी है और इक्वालिटी के, आला मेयार का काम करें और सबको इक्वली ट्रीट करें, तो सबको हम अपॉइंटमेंट्स का जो सिस्टम है वो एक ही है, सबको अपॉइंटमेंट एक ही तरह मिलती है, चाहे वो खुद पे कर रहे हों या कोई और पे कर रहा हो। जो सपोर्टेड पेशेंट्स हैं जो 75% से ज़्यादा हैं, उनके लिए रूल है कि उनको एक हफ्ते के अंदर अपॉइंटमेंट मिलनी ज़रूरी है, वेयर एज जो पेइंग पेशेंट है उन पर ये रूल अप्लाई नहीं करता क्योंकि उनके पास चॉइसेस हैं। अगर उनको हमारे पास वो इंतजार नहीं करना चाहते, लेकिन वो समवेयर एल्स, जो सपोर्टेड पेशेंट है उसके पास चॉइस भी नहीं है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हम ऑलरेडी उसके पैसे ले चुके हैं, किसी ने ऑलरेडी हमें ज़कात दी हुई है उसका इलाज करने के लिए। आई गेट इट। चलिए इसके साथ साथ हम अपने व्यूअर्स को खुशखबरी देते चलें, और हमेशा की तरह आप लोग बस अपनी सीट बेल्ट के साथ रहें, सीट बेल्ट बांध के रखें, क्योंकि इन अ फ्यू मिनट्स, इन अ कपल ऑफ फ्यू मिनट्स, साहिल अदीम इज गोइंग टू जॉइन अस लाइव, एंड यू गाइस कैन एक्चुअली आस्क क्वेश्चंस, एंड ही इज गोइंग टू गिव यू आंसर्स ऑफ दैट डायरेक्ट 1-to-1 इन अ कम्युनिकेशन व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस लाइव ऑन इफ्तारी रमजान का समा। अच्छा सर, ये जो इसके इंतजाम हैं हॉस्पिटल के, इसमें किस हद तक आप को जो फंड रेजिंग के जरिए आप चलाते हैं, और कितना जो है कि वो हस्पताल कमाता है ताकि वो कर सके? सो इस साल का हमारा जो बजट है वो 35 अरब रुपए है, उसमें से क्लिनिकल इनकम यानी कि जो आपने पूछा कि हम खुद कमाते हैं, वो 10 अरब रुपए है का बजट है। ये आती है जो 20-25% लोग खुद पे करते हैं उनकी ट्रीटमेंट का, और ज़्यादातर ये आता है हमारे जो लेबॉरेटरी के कलेक्शन सेंटर्स हैं मुल्क भर में, ठीक है, जहाँ कोई भी जाके ऑन पेमेंट टेस्ट करा सकता है और उससे जो मुनाफा होता है उससे मुस्तहक मरीजों का इलाज होता है। तो ये 10 अरब बनता है। इस साल का हमारा ज़कात का टारगेट है 8 अरब रुपए, और हम अपील भी करेंगे आपके आपके व्यूअर्स को कि वो जेनरसली डोनेट करें। अभी तो ये शुरू हुआ है जी, रमजान अभी शुरू हुआ है, नहीं नहीं, ये ज़कात का मैं बजट बता रहा हूँ। इसके अलावा नॉन ज़कात डोनेशंस जो हैं, ज़कात के अलावा अतियात, सदका वगैरह, वो 11 अरब रुपए है, और कराची के लिए स्पेसिफिकली अलग से जो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें चाहिए वो 6 अरब रुपए। एंड दैट्स ग्रेट, क्योंकि शौकत खानम है, और ऑफ कोर्स आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है, ये बात बताने की जरूरत भी नहीं शायद हमें, कि कैंसर के पेशेंट्स का इलाज करता है स्टेज 1, 2, 3, 4 ऑफ कोर्स, और बहुत सी मिसालें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो दुनिया में हम सबको नज़र आती है, ट्रांसपेरेंट है हमारे आगे इर्द गिर्द। तो स्पेशली जब हम बात करते हैं कराची की कंस्ट्रक्शन फेज़ की, तो उसके लिए आप अपने जनरल डोनेशंस दे सकते हैं। वैसे रमज़ान का महीना है, तो अपनी ज़कात निकालें, सदकात निकालें, एहतियात जो आपने देनी है, जनरल डोनेशंस की नियत भी करके आप शौकत खानम को दे सकते हैं, और आप सिंपली इसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि आप ये कराची या पिशावर या लाहौर के लिए लेंगे। कराची का जी फिज़िकल स्ट्रक्चर कम्प्लीट है, ग्रे स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, और मैं बताता चलूं कि कराची का अस्पताल लाहौर के हॉस्पिटल से दुगना है साइज, माशाल्लाह, क्योंकि कराची खुद इतना बड़ा शहर है और ये पूरे सिंध को और जनूबी बलूचिस्तान को भी सर्व करेगा। इसका फिनिशिंग का काम चल रहा है। अप्रोक्सीमेटली क्या एरिया होगा? सो लाहौर 5 लाख स्क्वायर फुट पे है, और ये 1.1 मिलियन स्क्वायर फुट यानी कि 11 लाख स्क्वायर फुट का अस्पताल है ये, और ये भी लाहौर की तरह टर्शरी केयर है, तमाम फैसिलिटीज इसमें एक ही छत के नीचे होंगी, और इधर भी यही प्रिंसिपल होगा कि 75% से ज्यादा जो पेशेंट्स हैं उनका कम्प्लीटली फ्री इलाज किया जाएगा इंशाल्लाह। 75% से ज्यादा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम 75% हमेशा कहते हैं, टू बी ऑन द सेफ साइड, प्रोबेबली ओवर 80% है, ओवर 80% जाते हैं जो फ्री है। ये कोई मखसूस एरियाज हैं कि जहां पर ज्यादा कैंसर पेशेंट पाए जाते हैं मुल्क में? नहीं, आई थिंक कैंसर हर जगह होता है, कैंसर या कैंसर हर जगह होता है, बट क्योंकि ऑब्वियसली लाहौर का हॉस्पिटल लाहौर में है तो ज्यादातर मरीज पंजाब से आते हैं, लेकिन 30% हमारे मरीज अफगानिस्तान से और KPK से आते थे लाहौर में, इसीलिए हमने दूसरा अस्पताल पिशावर में KPK में बनाया था, और फिर कराची इतना बड़ा शहर है, कराची ने हमेशा लाहौर को और पिशावर को सपोर्ट किया फंड रेजिंग में,
30 साल से वो पैसे दे रहे हैं इन दोनों हस्पतालों के लिए. तो हमारा ख्याल था कि हमें ये सर्विस अपने सिटीजन्स को कराची में भी फराहम करनी चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि तीसरा हॉस्पिटल कराची. ऑलराइट, देखिए कैंसर तो है लेकिन अगर कैंसर से बचा जाए, कोई जो प्री स्टेज है या कोई ऐसी बताएं ऑडियंस के साथ शेयर करें कि कैंसर से अवॉइड किया जाए लाइफ में, तो उसके लिए हम क्या अपने स्केड्यूल में अपनी रूटीन में लेकर आए. सो प्रिवेंशन के लिए कुछ जो चीज़ें हमने ऑलरेडी मेंशन की हैं, जो हार्मफुल चीज़ें हैं, तंबाकू, सिगरेट, पान, गुटखा एक्सेट्रा, वो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें. हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवाएं. अपना वेट, वज़न जो है उसको ऑप्टिमाइज करें, क्योंकि ओवरवेट होना ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी, बड़ी आंत का कैंसर, जिगर का कैंसर, ये सारे ओवरवेट लोगों में ज़्यादा होता है. हेल्थी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, और फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं कि आप अर्ली डायग्नोसिस की तरफ अगर आप जाएं, कि आपको कोई भी तकलीफ हो तो उसको इग्नोर ना करें, उसको छोड़े ना कि चलो खुद ही ठीक हो जाएगा. फिजिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है ख्वातीन में, अपनी छाती का हर महीने हाथ से खुद मुआयना करना ज़रूरी है. अगर कोई गिल्टी महसूस हो तो उसको फ़ौरन चेक करवाएं, शर्माएं नहीं. कोई सिम्टम्स अगर हों, प्रोलॉन्ग्ड अगर लंबा बुखार चल रहा हो, वज़न कम हो रहा हो, खून की कमी हो, या कहीं से भी खून आना शुरू हो जाए, नाक से, दांत साफ करते हुए, पखाने में या पेशाब में, या स्किन में ब्रूजिंग हो रही हो, नील पड़ रहे हों, तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अर्ली अलामत हो सकते हैं कैंसर के. अच्छा, मतलब ये आपको हर वक्त अपना ख्याल रखने की अवेयरनेस ज़रूरी है. बिल्कुल, और मेडिकल हेल्प सीख करना ज़रूरी है. और जिनके जेनेटिक्स में हो, सो जिनकी नेचुरली ट्रेवल कर जाते हैं, कंफर्म्ड होता है या कि सो वेल इट डिपेंड्स, मुख्तलिफ जीन्स हैं उनके, डिपेंड्स कि वो कौन सी वाली हैं, कि वो हर जनरेशन में आएंगी या अगर दोनों पेरेंट्स से आएंगी तो फिर आएगी, मुख्तलिफ जीन्स होते हैं. इलाज के बाद डॉक्टर साहब किस हद तक कोई दोबारा भी हम ख़दशा होता है कि अगर एक मरतबा इलाज हो गया, जैसे कुछ मैंने ऐसे लोग दोस्त अहबाब हैं, मतलब अगर गले में से कोई उनको हुआ है, दोबारा भी अटैक हो सकता है. सो कैंसर जब भी हम इलाज मुकम्मल कर लेते हैं, पिछले साल हमने 14,500 नए कैंसर के पेशेंट्स लिए, इसके अलावा लाहौर और पेशावर में मिला के 32,000 मरीज़ ऐसे हैं जो फॉलोअप पे हैं. जब एक्टिव ट्रीटमेंट हो जाए, कैंसर ख़त्म हो जाए, तो 5 साल तक हम फॉलोअप करते हैं, क्योंकि पहले 5 साल में ज़्यादा चांस होता है दोबारा होने का. ठीक है, सेल्स जो है वो ट्रिगर जी कर जाते हैं. तो उनके बाकायदगी से टेस्ट होते हैं, मुआयने होते हैं, 5 साल के बाद वो रिस्क कम, बहुत कम हो जाता है. ख़त्म बिल्कुल से नहीं होता, लेकिन बहुत कम हो जाता है. सर्टनली पहले 5 साल में इसीलिए फॉलो अप करते हैं क्योंकि दोबारा हो सकता है. ठीक है, हिफाजती तौर पर उनको. आप मुझे बताएं, जब एक भूलने की आदत होती है, हम नमाज पढ़ रहे हो और हम भूल जाए कि हम किस रिकत पर हैं या जो भी है रकत पे है, तो या वैसी भूलने की आदत है ना, आप एक कप रखे, आजकल तो एक मुझे तो लगता है जनरेशन को बहुत ही भूलने की बीमारी है, आप फोन भी रखा होता है भूल जाते हैं, तो उसमें कोई क्या करना चाहिए? देखो, जनरेशन ने बहुत ज्यादा असल में खुद कमाया नहीं होता ना, इसलिए हम फोन रख के भूल जाते हैं आजकल. इतना कोई स्ट्रेस भी नहीं है, लेकिन पता नहीं कौन सा स्ट्रेस रखा हुआ है सारी की सारी जो ये वाली जनरेशन. इतने दिन से फोन सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों के स्ट्रेस है, पता चल जाता है ना. वो शायद और भूलने की बीमारी आजकल नौजवानों में बहुत ज्यादा पाई जा रही है. हम देखते हैं कि कोई सबक उनको याद नहीं हो रहा, इसी तरह से नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज की रकातें भूल जाते हैं, घर से कोई चीज़ लेने के लिए बाहर निकलते हैं तो रास्ते में भूल जाते हैं क्या लेना था, घर वापस आके पूछते हैं कि क्या करना चाहिए. इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं. एक तो ये कि उसका आमतौर पर यह देखा गया कि सोशल मीडिया में इतना ज्यादा मगन होते हैं बच्चे कि वो मुसलसल तस्वीर और वीडियो मैं आपको वजूहात बता रहा हूँ, साथ दुआ भी बताता हूँ. तो उसकी वजह से ना वो सारी तवज्जो हर वक्त दिल में ख्याल तसव्वुरात उसी तरफ ही लगे रहते, जिसकी वजह से वो चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं, सबक भी भूलना शुरू हो जाते, क्योंकि तवज्जो एक तरफ नहीं रहती उनकी. ठीक है, ये वजह भी बनती है. तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हाफ़िज़े की कमज़ोरी भी हो जाती है बीमारी की वजह से या किसी और वजह से. तो उसके लिए हम तरीका इलाज जो आमतौर पर लोगों को वजीफ़ा बताते हैं, हमारे एक बुज़ुर्ग का वजीफ़ा है कि वो रोज़ाना सुबह उठते ही सूरतुल क़द्र 3 मरतबा पढ़े और आसमान की तरफ, सूरज की तरफ देख कर पढ़े. सुबह की रोशनी जो होती है ना हल्की हल्की नजर, तो 3 मरतबा पढ़े, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूस ही पढ़े, तो उससे भी हाफ़िज़े में क़ुव्वत आती है. इसके लिए तो उसको फजर पे उठना पड़ेगा ना. हाँ, ये तो थोड़ी ज़ाहिर है कि डॉक्टर साहब भी कहते हैं सुबह उठें तो उसकी सेहत के लिए मुफीद है. बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल. इसके लिए एक और चीज़ भी बहुत अहम अमल हमने जो मुजर्ब अमल किया है वो इस तरह से कि उसको बादाम खिलाना शुरू करें.
बादाम का एक अहम अमल हम उसमें बताते हैं। हाँ जी, उसके तरतीब है, उसका हम चिल्ला करवाते हैं। वो इस तरह से कि पहले दिन एक बादाम, दूसरे दिन दो, फिर तीसरे दिन तीन, चौथे दिन चार, पांचवे दिन पांच, छठे दिन छः, सातवें दिन सात, करते 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 40 दिन तक इस तरह 40 बादाम लेकर जाए। फिर जब 40 दिन पूरे हो जाए तो फिर वापस आना है, वापस की तरफ ये चिल्ला करना है। फिर 39 नहीं, इतनी ज्यादा बादाम नहीं है, ड्राई फ्रूट्स में आता है बादाम, और आपको पता है महंगाई जो है, 40 दिन ही खानी है। अगर पूरी जिंदगी में ये एक बार अमल कर लेना, इंशाल्लाह पूरी जिंदगी उसको इसका फायदा हासिल होगा, कुव्वत हाफिजा बहुत मजबूत हो जाएगी। तो एक किस्म के दो चिल्ले हुए, एक नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो इंशाल्लाह इससे कुव्वत हाफिजा बहुत मजबूत हो जाएगी। हमने इस पर तजर्बा किया, अपने कई बच्चों को बहुत मजबूत हाफिजा हो गया, भूलने की बीमारी खत्म हो गई थी। आप तजर्बा करके देखिए। डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगी, मुझे ये बताइए कि इन्होंने बादाम की बात की है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी बात हम कर रहे हैं ये कि एक बादाम खाने का बताया, आमिर साहब भी आ गए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आमिर हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, बड़े दिन हो गए, जिम नजर नहीं आ रहे हैं, कम कर दिया। हाँ बस अब टाइम नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, लेकिन ये डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि जिम छोड़ना नहीं चाहिए, ओवरवेट नहीं होना, नहीं वैसे कह रहे हैं एक्सरसाइज, लेकिन अच्छा। उस तरह जिम में रेगुलर जैसे वैसे सब। भूलने की बीमारी की बात हो रही थी, मुझे एक बात याद आ गई कि वो लोग के जो चीज रख के भूल जाते हैं ना, वो भी तरावी की नमाज के बाद हमें पूछ रहे होते हैं, कारी साहब डेढ़ पारी थोड़ी है, तीन गलतियां क्यों आ गई हैं। मतलब ये भी एक कि हर तरफ भूलने की बीमारी है, लेकिन जो फाज हैं पढ़ रहे होते हैं तो उनको कुरान पाक पढ़ते हुए अगर कहीं पे थोड़ा बहुत मसला बन जाए तो लोगों के इतराजात खत्म नहीं होते। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि ये लोग भी इंसान है और इन्होंने सारा दिन मेहनत करना, कुरान को याद करना, तो ये तो आम जुबान में कहा जाता है एक समंदर की तरह है, तो अगर कहीं हुफाज से को थोड़ा बहुत ऐसा मामला हो जाए तो अवॉइड करना चाहिए। तो जेड़ा बोलदा करूंगा तू आप पढ़ा ले, वैसे भी इंसान का लफ्ज़ तो नसीहत से आपने बना। आपने आखिर में कितने बादामों तक आप आए हैं? हां जी, 40 बादाम, 40 बादाम नहीं, आखिर में वापस एक बादाम, 40 खाना पड़ चिल्ले लाहौर पे, जिंदगी में एक बार करना है बस, ये वजीफा, 40 बादाम खाने से या चले बादाम खाने से हाफजा तेज होता है? मैंने कभी पढ़ा नहीं है। अच्छा। ये सुना जरूर है। हाँ। हमारे कल्चर में ये उसमें कोई ऐसी चीज है, कोई मेडिकली कोई ऐसा विटामिन मिनरल क्या कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट? मैं कह नहीं सकता, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेमोरी का तो मैं कोई गलत जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन हाफिज साहब हम एक्सपर्ट हैं इसलिए मैं इंशाल्लाह साइंटिफिक हो गया, जहां तक मुझे पता है इसका कोई एविडेंस नहीं, साइंटिफिकली आपके ख्याल में इसका कोई एविडेंस नहीं है? इमाम शाफी रहमा से ना किसी ने पूछा कि हुजूर निसियान की बीमारी है भूलने की तो क्या करूं, तो आपने उसको सबसे पहले नंबर पर बताया कि बेटा गुनाह छोड़ दो, ये जो गुनाह है ना ये इंसान को भूलने की बीमारियां ये इसके पैदा होने में ना ये किरदार अदा करते हैं, तो पहले ये बताया। उसके साथ ही फरमाया कि जब तुम गुस्ल करो तो जिस जगह पर तुम गुस्ल कर रहे हो ना वहाँ पे पेशाब से अवॉइड करो, ये एक अलहदा जो जगह बनी, यानी उसको पाक रखो उस जगह को जहाँ पर तुम गुस्ल कर रहे हो। साथ ही आपने फरमाया कि कच्चा सेब खाने से अवॉइड करो, यानी जो कच्चा सेब लोग छिलके समेत खाते हैं ना कच्चा, एक तो है ना पक गया वो तो खाना बिल्कुल अच्छी बात है, सेहत की अलामत है। तो ये चीज़ें जो है ना ये इमाम शाफी रहमा ने फरमाया कि निसियान को छोड़ दो, कि गुनाह एक ऐसी चीज़ होते हैं कि जो इंसान को भूलने की बीमारी लगा देते हैं। ठीक हो गया, इसी के साथ हम आपको बताते चलें कि हमें हमारे एक और एक्सक्लूसिव गेस्ट ज्वाइन किया है, एंड इज़ अ पॉलिटिशियन एंड इज़ अ वंडरफुल पॉलिटिशियन, मिस्टर मियां आमिर हसन, सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खुशामदी रमजान का समा में। थैंक यू वेरी मच, आज की इफ्तारी आप हमारे साथ करेंगे जी, इंशाल्लाह जी जरूर। और मुझे ये भी बताएं कि पार्लियामेंटेरियन हाउस में कैसी इफ्तारी का एहतमाम होता है या नहीं होता? नहीं, वहाँ पे कैफेटेरियाज हैं, अगर इजलास हो रहा हो तो होता है वहाँ पे एहतमाम, और इसी तरह होता है मेरे ख्याल से इफ्तारी तो उसी तरह है, चाहे बड़ा सियासतदान करे या आम आदमी करे। लेकिन ये है कि हमारे रमज़ान में हम अपने बचपन से आज तक में अगर चीज़ देखें तो फेस्टिविटी अब बहुत ज़्यादा आ गई है। अगर आप देखें तो हर एक फेस्टिवल का माहौल है, आपकी सहरी भी और आपकी इफ्तारी भी जी। और जो कि शायद मेरे ख्याल से जो स्पिरिट थी रमज़ान की या रोज़े की उसके तो बरखिलाफ़ ही नज़र आती है, लेकिन अब लगता है ये पूरा एक फेस्टिवल है। आप अगर मामलात को देखें तो मेरे ख्याल से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जिस तरह के लोग खुराक लेते हैं एक तो वो चीज़ है उसी में रहते हैं, लेकिन दूसरी बात जो बड़ी है मेरे ख्याल से कि अगर
अल्लाह पाक का ये हुक्म है बज़रिया रसूल पाक हम तक पहुँचा सुन्नत की सूरत में भी, तो हमें फिर ये देखना है कि उन्होंने ये किस तरह रमज़ान के रोज़े रखे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इतना तब्दीली ये 20-30 साल के अंदर इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि अब हम लोग अगर पॉलिटिशियन है, मैं अवॉइड तो करता हूँ लेकिन मैं देखता हूँ कि अब तो बफेज़ हैं, अफ्तार बफेज़ और बड़े बड़े पुरतकल्लुफ़ और इतने महंगे, तो मैं तो ये इस पे हैरान होता हूँ कि किस तरह क्या इंसान, ये तो एक कॉमन सेंस है ना, इसके लिए तो किसी मुफ्ती साहब को या मौलवी साहब को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं, उनसे सवाल करें। ये तो एक इंसान जिसका खुदा के लिए जो रोज़ा रखता है उसे भी ये चीज़ देखनी है कि क्या इतनी फेस्टिविटी और इतना ज़्यादा पुरतयश खाना क्या आपके रोज़े को रहने देता है, और क्या वो जो रोज़े की रूह है, जो स्पिरिट है, क्या उसके साथ चला जा सकता है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि बहुत ही फेस्टिविटी है, बहुत ज़्यादा, और उसे ये नहीं है कि कोई कम कर रहा है, हम बल्कि उसे बढ़ोतरी दे रहे हैं और उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं हर जगह पे। अब कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे ये कमी हो, बहुत बढ़ गई है। इसकी क्या आपको लगता है, क्या वजह क्या है, ये नुमाइश है या कुछ बहुत, अगर आपके पास मालो दौलत है तो उसको इसी तरीके से आगे बढ़ाना है, और इसमें अगर आपने ये सारी चीज़ें जैसे जिक्र किया है ये तो क़यादत की तरफ से आती हैं तो लोग उस पर अमल करते हैं, क़यादत का क्या करना है फिर? नहीं, मेरा ख्याल है हर चीज़ में क़यादत, देखे ना कभी भी मज़हब के मामले में लोग सियासी क़यादत को फॉलो नहीं करते हैं, तो अगर ये क़यादत की तरफ से आई है तो ये फिर मज़हबी क़यादत की तरफ क्या आपका सवाल है, क्योंकि सियासी क़यादत को तो कोई फॉलो नहीं करेगा रिलीजन के मामले में। मेरे ख्याल में जो आपका समाज है उसकी बहुत सारी चीज़, और बहुत सारी चीज़ें ये कि जब आप हर चीज़ को फेस्टिवल बनाने लगते हैं ना, मेरा जो एतराज़ है कि जब आप हर चीज़ को मेला ठेला फेस्टिवल बनाएंगे तो उसकी क्या वो रूह है, उसकी वो नहीं रहती। एक तो ये चीज़ है कि कोई रोक भी नहीं रहा इस चीज़ से, अब कोई मना भी नहीं कर रहा इस चीज़ से, ठीक है, इसमें इमारत के इजहार से ज़्यादा हमारे लालच और हवस के इजहार की ज़्यादा बात है। हम ये समझते हैं क्या रोज़ा सिर्फ ये है कि हम चंद घंटे के लिए चंद चीज़ों से बाज आ जाए, खाने पीने की चीज़ों से, भूखे प्यासे रह लें, भूखा प्यासा रह लें, क्या सिर्फ ये रोज़ा है? और उसका भी बस एक इतना ये है कि बस एक कंट्रोल किया हुआ है, इधर आप 6 बज के तो 20 मिनट होने दें और फिर उधर देखें कि मैं क्या सलूक करूँगा अपने उस रोज़े के साथ या अपने उस जो मैं रुका हूं नफ्स के रोकने के साथ, कि फिर सब्र नहीं लूँगा। और अक्सर आप चले जाएँ, ये अफ्तारियाँ होती हैं, इवन कहीं पे चले जाएं, वहाँ पे जिस तरह लोग टूट पड़ते हैं या एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो जो असल इबादत का मकसद है जो वो मकसद है उसका, ठीक है, नहीं हम कर पाए। अभी यहाँ पे आपने बड़ी दिलचस्प बात की है, इन्होंने अभी साहिल साहब ने ज्वाइन किया, जो इन्होंने बात कर दी ना एक, उसके ऊपर बहस शुरू होने लगी। अब आप जरा अपने बेल्टे बांध, साहिल साहब अस्सलाम वालेकुम। साहिल साहब उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अभी इन्होंने एक बात की है जो काफ़ी दिनों से हम जिसके ऊपर जो हमारा मौजू बहस है कि जब मज़हब की बात आती है तो लोग सियासी क़्यादत को फॉलो नहीं करते, लोग उस वक्त मज़हबी क़्यादत को फॉलो करते हैं। तो जो ये सवाल इसलिए हुआ, ये बात इसलिए हुई कि अगर आपको मुआशरे में कोई नमूद नुमाइश नज़र आ रही है या एक इस तरीके से कि बड़ी बड़ी अफ्तारियाँ नज़र आ रही हैं तो इसकी वजह सियासी क़यादत नहीं हो सकती। तो आप तो पहले से ये बात कर रहे हैं, आपको लगता है वाकई यहाँ पर भी एक तकसीम है? सर बहुत डीप और बड़ी आसान सा इसको देखना है कि इस तह में वायरस किधर लगा हुआ, और वायरस, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, वायरस वायरस जी, वो वायरस यही है कि मुझे बैरिस्टर साहब के पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो का तो नहीं पता कि वो अपने इलाके में दीनी लेवल पे क्या कर रहे हैं, मगर जनरली स्पीकिंग वो ठीक कह रहे हैं कि वो जिस मुआशरे का हिस्सा है उस मुआशरे में हमने मजहबी अमूर का ठेका एक इंस्टीट्यूशन को ज़बरदस्ती दिया हुआ है, और ये अभी नहीं दिया हुआ, ये हमने कोई 200-300 सालों से दिया हुआ है, ये 1800 से दिया हुआ है कि भाई हमारा काम नहीं है जब भी कोई मजहबी बात होगी। तो मैं डीपर वायरस कैसे पकड़ता हूँ कि वो असल में वो जो लफ्ज़ मजहब का है ना, वो कंफ्यूजन है। जिस दिन बैरिस्टर साहब को ये पता चलेगा कि असल में ये दीन के असल में इंस्टीट्यूट पे बैरिस्टर साहब हैं, अगर वो इलेक्शन जीत गए हैं तो ये है दीन,
ये जो मदरसे में या मस्जिद में मौलवी साहब कर रहे हैं, उन्होंने तो मजहब का एक नया लफ्ज इन्वेंट किया, कुरान में तो ये लफ्ज नहीं है मजहब। सो आपका काम था एज पॉलिटिशियन कि आप दीन के तमाम सिस्टम को रेगुलेट करते, तमाम तर मामलात की प्रेसिडेंस आपके थ्रू आती, आपके किरदार के थ्रू लड़के और लड़की का आपके इलाके में किरदार जो है ना वो चमकता, आपको फॉलो करता वो दीन के असूलों पे, दीन के तमाम तर मामलात के लिए। मगर क्योंकि हमारी शुरू से पिछली तीन चार नस्लों ने कहा था अच्छा आपने बच्चे को दीनदार बनाना तो इसको मदरसे भेज दो, दुनियादार बनाना है इसका मतलब सियासतदान और पावर वाला बंदा बनाना है तो इसको यूनिवर्सिटी भेज दो। सो असल में तो इस्लाम का मतलब ही पावर था। अब जब पहले से ही बच्चे को तैयारी मिलेगी मदरसे जाने की कि मैं सब कुछ कर लूंगा मगर पावर वाले काम नहीं करूंगा, तो उसने फिर वही मिन्नत ही करनी है। तो जब सियासतदान ये कहते हैं ना कि मदरसे का जिम्मा था मजहब, तो ये कंफ्यूजन देखें कहां से तीन जगहों पे आ रही है, एक तो मजहब का लफ्ज खुद ही इन्वेंट हुआ, एक सियासतदान को खुद नहीं पता। अच्छा रابطہ منقطع ہوا ہے, کالر ہمارے ساتھ ہیں جی, السلام علیکم, کون صاحب ہیں, محترمہ کہاں سے ہیں بتائیے گا, رمضان کا سماع میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور میں کوارا سٹی سے بلانگ کرتا ہوں. جی 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 فرمائیے. میرا کوشچن مفتی صاحب سے ہے کہ جیسا کہ میں ایک پورا ویک سے جو ہے یہ ٹرانسمیشن ریگولر دیکھ رہا ہوں. ہاں جی, تو مفتی صاحب سے میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ بہت پیلسٹائن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو مفتی صاحب مجھے آپ کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ آپ کی کیا پروگریس رہی ہے پیلسٹائن کے معاملات کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اور دوسرا ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے جی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے سوال کیا ہے فلسطین کے حوالے سے, اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. آپ نے اوکاڑا سے فون کیا ہے مفتی صاحب, یہ جو ابھی فلسطین کے حوالے سے ان کا سوال ہے, لیکن جیسے ابھی سیاست آپ کو واقعی سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی قیادت ہے اس کو بھی مذہبی ذمہ داریاں ادا کرنے کی ضرورت ہے ویسے ہی, یا پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے پاکستان میں کہ فلاں جو سیاسی جماعت ہے وہ مذہبی سیاسی جماعت ہے؟ دیکھیں اصل میں نا یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے ہی اخذ کی گئی ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ جس فیلڈ کے اندر کام کر رہا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی پراپر کام کر رہا ہوں, میرے علاوہ کوئی اور بندہ کام نہیں کر رہا. میرا یہ ایک سوال ہے ان تمام لوگوں سے کہ جو اپنے دائرہ کار کو چھوڑ کر تو دوسرے کے دائرہ کار کے اندر ہٹ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بھائی ایک بندہ اگر تبلیغ کر رہا ہے نا تو تبلیغ بھی دین کا حصہ ہے, تبلیغ ہی دین کا حصہ نہیں. سیاست ہے تو سیاست دین کا حصہ ہے, سیاست ہی دین نہیں ہے. اور ہر بندہ اگر اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہر شخص کے لیے ہر فیلڈ کے لیے مشعل راہ ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاست کر کے بھی دکھائی تاکہ اگر آنے والے وقت میں کوئی بندہ سیاست کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے اس کو سبق مل سکے. اگر ایک بندہ امامت کر رہا ہے, اگر ایک بندہ مسجد کے اندر ہے, ایک بندہ گھر کے اندر ہے, ایک بندہ معاشرے کے اندر ہے, کوئی کسی فیلڈ کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے نا تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یقینی طور پہ سبق ملے گا اگر وہ سبق حاصل کرنا چاہے. اگر کوئی بندہ سیاست دان ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی سیاست کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھی ساتھ لے کر چلے. اگر کوئی بندہ دیندار ہے تو اس کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو بھی لے کر چلے. میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جس بندے کا ظاہر درست نہیں نہ ہے اس کو اپنا ظاہر درست کرنا چاہیے, جس بندے کا اندر درست نہیں ظاہر درست کرنے سے کیا مراد؟ ظاہر درست کرنے سے مراد یہ ہے, دیکھیں نا ہم نے ایک تقسیم کر دی پاکستان کے اندر, بلکہ پوری دنیا کے اندر ہم نے یہ تقسیم کر دی کہ جس کے سر پہ امامہ ہوگا, جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اس کو ہم مولوی صاحب کہیں گے. اب ایک قدا کلامی کے معاملے آپ کو مکمل کی مفتی صاحب مکمل کیجیے گا, آپ بات مکمل کیجیے گا پوری, لیکن یہ تقسیم پھر کس نے کی کہ جس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ کسی دیکھیں پینٹ پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے اسی لیے شروع میں کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے آپ کی زندگی سے ہم نے سبق لینا ہے. یہ تقسیم جو کرنا ہے نا یہ معاشرے کے اندر نفرتیں پیدا کرتا ہے کہ اگر ایک بندے نے اپنا ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنایا ہے, اس کے اندر اگر خامی ہے کہیں باطن کے اندر, کہیں اس کے عمل کے اندر خامی ہے, تو اس کو وہ دور کرنے کی ضرورت ہے.
मैं तो ये कहता हूं कि हर बंदा जो सियासतदान है उसको चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हुए अपने जाहिर को भी दुरुस्त करे और अपने बातिन को भी दुरुस्त करे। जब हर तरफ आपको नजर आएगा ना कि आपका मानना कि सियासतदानों को जाहिर और बातिन जो है वो एक जैसा रखना चाहिए। आप बरिस्ता साहब देखिए, पहले तो मुझे नहीं समझ के जाहिर क्या है। जाहिर के लिए तो कोई कोड नहीं दिया गया, ड्रेस कोड भी कोई कुरान के अंदर नहीं है। हया है, अब हया की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है सबकी। तो मैं नहीं समझता जाहिर मौलवी साहब किसे कह रहे हैं बार बार जाहिर को दुरुस्त करे, जाहिर क्या मुझे नहीं समझ आती है। और बातिन से या आप वाकिफ हैं या आपका खुदा वाकिफ है, तो कोई दूसरा बातिन के ऊपर उंगली उठा नहीं सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि सब सीरत पाक को जानते हैं, बासियत मुसलमान इसके लिए। और मैं समझता हूँ कि उलझाया ही मौलवियों ने है अपनी अपनी सीरत सुना के, अदरवाइज हमें कुरान, मेरी बात सुन लीजिए, आप इशारा ना करें, मैं आप आपका हक है। मैं मौलवी नाउज़बल्ला मैं इस तरह इस सेंस में नहीं कह रहा, मैं उन्हें कह रहा हूँ जिन्होंने जाहिर में रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो हम तक एक जैसी नमाज क्यों नहीं पहुँचाई? किसी की नमाज इधर क्यों है, किसी की इधर क्यों है, किसी की ऐसे क्यों है? आपने तो जाहिर में भी कोई काम ठीक नहीं किया हुआ। तो दूसरी बात यह है कि आपने मस्जिद के माथे के ऊपर, जहां पे मेरा रब कहता है कि जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है कुरान में, उसी तरह वो ला तफर्रकू कहता है, आपने माथे के ऊपर टैग लगाया है फिरके का खुदा के हुक्म के खिलाफ, और वहां पे मैं जो भी नमाज पढ़ूंगा मैं पकड़ा जाऊंगा कि मैं किस फिरके का हूं। तो मेरा रब तो मेरे से फिरके के मुझे फिरके से बुमानियत कर रहा है, पहली बात यह है। दूसरी, अब ये बातिन के लिए मुझे सीरत की ज़रूरत इसलिए, मैं मेरे से उन्होंने भी सवाल किया, इन्होंने भी बात की जाहिर और बातिन की, तो मुझे किसी, हम लोग समझते हैं कि सीरत पाक का सबसे मोतबर ज़रिया कुरान पाक है, और अगर उसे उसकी नज़ूली तरतीब में पढ़ा जाए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ से शुरू करके, और उसके बाद सूरह क़लम आती है, उसके बाद सूरह मुदस्सर आती है, मुज़म्मिल आती है, आप पढ़ेंगे तो आप सीरत पाक पढ़ेंगे ना, पूरी सीरत रसूल पढ़ेंगे। लेकिन जब आप मुझे एंटर ही मदीने से करते हैं, तो इसीलिए डॉक्टर इसरार साहब ने भी अपनी ज़िंदगी में कहा था कि कुरान पाक सीरत नबी का सबसे मोतबर ज़रिया है और हमें एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन ना पढ़ा जाता है, ना पढ़ाया जाता है, ना अवेलेबल है कि आप उससे सीरत को लें। तो हम तो ये काम कर रहे हैं, मेरे से सवाल हुआ तो मैं ज़रूरत नहीं महसूस करता, लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ कि आज उस माहौल में है। हम लोग पिछले 4 साल से हर जुमे को मजलिस तदब्बुर तफक्कुर मारफत रहमतुल्लिल आलमीन और कुरान से हम लोग 5-6 घंटे की नशिस्त होती है, जिसमें मेरे दोस्त बैरिस्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सारे हम जो दोस्त हैं, हमारा इकट्ठे होने का मौजब वो कुरान है और कुरान के ऊपर तदब्बुर और तफक्कुर है। उस पर हम करते हैं तदब्बुर और तफक्कुर करते हैं और कुरान को सीख भी रहे हैं, सीरत को जान भी रहे हैं। और उसी के साथ मैं समझता हूँ जाहिर तो कुछ भी नहीं है, जाहिर को तो खुदा ने, जाहिर ये दुनिया है ना, तो खुदा ने कहा यह खेल तमाशा है, तो जाहिर में क्या दुरुस्त करूंगा, बातिन दुरुस्त करूंगा तो मेरा जाहिर दुरुस्त होगा। कोई जनाब मसीह के पास आया था कि मैं बीमार हूं, तो उन्होंने कहा था तुम झूठ छोड़ दो। उसने कहा भी इसका मेरी बीमारी से क्या ताल्लुक है? उसने कहा जब रूह बीमार होती है तो तुम बीमार होते हो। तो बात यह है कि बातिन की मजहब जो है, दीन जो है, मैं इससे इख्तलाफ राय करता हूं कि मैं एक सियासी लीडर हूं तो मैं ये हक समझूं कि अब कोई और बंदा दीन की बात ना करे या सियासत की बात ना करे, और अगर मैं मजहबी रहनुमा हूं तो कोई और सियासत की या दीन की बात, ये मेरे पास अथॉरिटी या ठेकेदारी है, ये बात नहीं है। आपने अपने पहले तो आप अपने लिए खुद के लिए पैगंबर हैं, जो पैगाम आप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, कुरान से करते हैं, नबी पाक की सीरत से करते हैं, वो तो पहले आप अपने पैगंबर हैं ना, अपने आप को देना है। तो मैं ये समझता हूँ कि दीन का मामला जो है वो फकत ना किसी सियासतदान पे छोड़ा जा सकता है, ना किसी आलम दीन पे छोड़ा जा सकता है, ये तो आपका मामला है। और मजहब रूहानी बालिदगी का सबसे बड़ा जरिया है, वो ठेकेदारी का जरिया नहीं है। मजहब उसके बालिदगी का जरिया है, गलत और किसी को दुरुस्त साबित करूंगा। किरदार साजी, मैंने पहले कहा कि रोजे का जाहिर कुछ भी नहीं है, जाहिर में हमने बहुत कुछ है। असल तो रोजे का क्या है, रोजे का कि आप पे रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि पहली उम्मतों पे किए गए थे, तो तुम कोई इस पे खुशी ना मनाओगे, तुम कोई पहले हो जिन पे कोई रोजे फर्ज हो गए हैं, ये तो पहले भी होते रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तो सवाल तो ये है कि मुझे 30 रोजे
फिर अगले साल के 30 रोजे, फिर उसके अगले साल के 30 रोजे मुझे मुत्तकी बना सके हैं। और मुत्तकी होता कौन है, मुत्तकी कहते किसे, तकवा क्या चीज है, मुझे इस पे गौर करना है। क्या हम मुत्तकी बने, मैं बार बार एक एक्सरसाइज एक ही तरीके से करे जा रहा हूँ, और अगर वो मुझे रिलीफ नहीं दे रही, अगर वो मुझे मेरी मंजिल तक, तो फिर ढूंढने की जरूरत है आपके ख्याल से, ढूंढने की, मैं ये समझता हूं, मुझे ये बात सिर्फ कंप्लीट करनी थी। जी जी जी, मुझे पता है कि बेचैनी हो जाती है, जरा मुझे भी गुफ्तगू, जी जी जी, बात असल में ये है कि बात आपने अपना, अपने आप को, मैं इस दुनिया में अकेला आया हूँ और मुझे यहाँ से जाना भी अकेला है, ठीक है, इसलिए मुझे मेरा जवाब देना है। मजहब मेरी रूहानी बालिदगी का काम है, क्योंकि मेरे, मेरी रूह की तख्लीक मेरे रब ने की है और उसका खालिक वो है, इसीलिए रसूल पाक से पूछा गया कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये अमरे रब्बी है, तो मेरे लिए वो मेरे खुदा का मेरे लिए पैगाम है ना, मुझे उस तक जाना है और उसकी बालिदगी का काम करना है कि जब मैं अपने रब के हजूर खड़ा हूँ तो मैं किस तरह उसे पेश करता हूँ, किस तरह लेके जाता हूँ। तो कोई भी मजहब है और हमारा दीन इस्लाम है तो वो आया रूहानी बालिदगी के लिए है, लेकिन अगर मेरी ये इबादतें रूहानी बालिदगी की बजाय मेरे जाहिर को भी डिस्टर्ब करती हैं तो सवाल उठेंगे। देखिए असल में ना जहाँ तक ताल्लुक है ना फ़िरका वारियत का, और आपने सवाल किया, बिल्कुल आपका राइट बनता है, और हर बंदे के जहन में ये सवाल है कि फ़िरका वारियत कहाँ से आ गई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुबारक ज़माने में सभी लोग करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फैज़याब होते, उसके बाद हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, हज़रत फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान, खुलफ़ाए राशिदीन का दौर चलता आया, उसके बाद एक दौर आया जिसको कहते हैं हज़रत इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा, जो कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आपके शागिर्द हैं। आप एक मजलिस में ना बयान कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, खिताब के दौरान एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कुछ इतराज़ात किए, उसने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले से मुझे ये इतराज़ात हैं, कुछ उसने जन्नत दोज़ख़ के हवाले से बातें की, कुछ इस तरह की बातें, काफ़ी ज़्यादा बातें उठी। उस वक्त तक ना सभी लोग अपने आप को सिर्फ मुसलमान ही कहते थे कि हम भी मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी पढ़ते थे। अब जब उसके इतराज़ात उठे तो हज़रत इमाम हसन बसरी अलैहिर्रहमा आपने उसको समझाया बड़े आसान तरीके से कि तुम्हारी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसको इस तरह दूर किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं माना, उसने कहा नहीं जी आप जो है ना वो गलत कह रहे हैं। तो उसने बाहर निकल के तो अपनी एक जमात का नाम रखा जिसको उसने कहा सहाबे अदलो इंसाफ, सहाबे अदलो तौहीद, सहाबे अदलो तौहीद अपनी जमात का नाम रखा, और उसका मकसद ये था कि जो इस्लामी नज़रियात है ना, इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, इसको इमाम हसन बसरी सही तरह बयान नहीं कर, ये उसका इतराज़ था। अब उसने जब अपनी जमात का नाम रखा सहाबे अदलो तौहीद कि अल्लाह ताला पर माज़ल्ला अदल करना वाजिब है, और भी इस तरह की बहुत सारी बातें उसने की, तो हज़रत इमाम हसन बसरी अलैहिर्रहमा आपके जो चाहने वाले थे, आपके जो फॉलोअर थे, उनको ये ख़तरा लाहिक हुआ कि वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम भी मुसलमान कहते हैं, तो कौन से मुसलमान भाई, वो जो अपने आप को असहाबे अदल व तौहीद कहने वाले हैं, या कि इमाम हसन बसरी अलैहिर्रहमा जो कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु उनके शागिर्द हैं। तो अब वहाँ पर ज़रूरत पेश आई कि कोई ऐसा नाम रखा जाए कि जिसकी वजह से पहचान हो कि कौन सा मुसलमान। तो अब वहाँ से फिर आगे ना जमात का नाम रखा गया कि वो जमात के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाली है। जहाँ तक है ना बात, अगर हम सिर्फ कुरान की बात करते हैं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ही फरमान है कि आखिर ज़माना में कुछ लोग आएंगे कि जो तुम्हें सिर्फ कुरान पढ़ के बताएंगे, तो हज़रत अली ने फरमाया कि उस वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को साथ मिलाना, फिर जाके तुम्हें कुरान समझ आएगा। जहाँ तक मेरी बात कंप्लीट हो लेंगे, अब जो आपने कहा ना कि फलां जगह पे फिरका वारियत लिख दी जाती है कि यहाँ फलां नमाज नहीं पढ़ सकता, फलां प्यारे भाई ये का नमाज नहीं पढ़ सकता, चले लेबल लगा फिरका लिखा है। अच्छा फिरका लिखा, चले कुरान के तहत सुन्नत को देखेंगे या सुन्नत के तहत कुरान को देखेंगे, दोनों को मिला के चलना पड़ेगा। नहीं कुरान, मेरी एक तो पहले बात बोली सब बात सुने, मैंने बात जो की आप तो बहुत आगे ले गए, फिर हसन बसरी वही हैं जिनका इमाम हसन के, इमाम हुसैन के फतवे में कि हुसैन वाजिबुल कत्ल है, कोई किरदार है, आपको याद है, देख लीजिएगा तारीख में, पढ़ लीजिएगा तारीख में, पढ़ मुझे बात कर लें दे, आप तारीख में पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, मुझे हसन बसरी तक जाने की ज़रूरत नहीं है, इस्लाम ने बड़ा क्लैरिटी में एक करबला दिखाया है खिलाफत राशिदा के बहुत थोड़े अरसे के बाद एक करबला हुआ है, वहाँ पर भी एक तरफ तो पानी मैसर नहीं था, और हमारे बहुत से उलमा कहते हैं कि हुसैन को तो पानी मैसर नहीं था,
वो नमाज क्या पढ़ते हैं वजू के लिए, और एक तरफ बाजमात नमाज भी हो रही थी और रोजे भी रखे जा रहे थे, ठीक है। तो फिरका वारियत तो आप तो बात की बात कहते हैं ना, ये तो अहादीस तो बहुत बात की मुतारफ होने की चीज़ है, मैं तो बात अभी कर रहा हूँ कुरान की। मैंने सवाल ये नहीं किया कि फिरका क्यों, मैंने सवाल ये किया है कि अगर आपने जाहिर में रसूल को नमाज पढ़ते देखा है तो आपने एक जैसी पढ़ते क्यों नहीं देखा। नाउज़ बिल्ला, मेरे रसूल ने तो कन्फ्यूजन पैदा नहीं ना की होगी, मेरे रसूल ने तो, मुझे बात करने दे, मेरे रसूल ने तो कन्फ्यूजन पैदा नहीं की होगी। अब ये जो जस्टिफिकेशंस हैं कि मैंने मुसलमान के साथ लगा लिया अहले सुन्नत वल जमात, ये मेरा दिल चाहा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं कि आपकी, अगर मुसलमान से क्लैरिटी नहीं हो रही तो फिर आपकी वल सुन्नत वल जमात से भी क्लैरिटी नहीं हुई, उसके आगे भी आपका हनफी लगा, आपका बरेलवी लगा, फिर आप उधर भी नहीं रुके, फिर आपका नक्शबंदिया लगा, फिर आपका कादरिया लगा, फिर आप उधर भी नहीं रुके, तो फिर आप कहीं नहीं रुके ना। जब आप रुक नहीं रहे तो मेरे रब का हुक्म ही मोतबर ठहरेगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग मोतबर नहीं ठहरेगी, रब का हुक्म भी मोतबर है, दर फिरका बनाता है, रब का हुक्म भी मोतबर, रब का हुक्म भी मोतबर है। साहिल साहब, साहिल साहब, ये जो बात सिर्फ दो मिनट की है, बस साहिल साहब को कर लें, बस उनको बाद में आप शामिल कीजिएगा, साहिल साहब को ले लेते हैं, साहिल साहब को भी ले लेते हैं, साहिल साहब को, मुफ्ती साहब ले लेते हैं, साहिल साहब को, साहिल साहब काफी देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। साहिल साहब, ये जिस तरह से आपने गुफ्तगू सुनी है, बैरिस्टर आमिर हसन साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी है, मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब की भी, ये जो मामला जाहिर और बातिन वाला है कि जाहिर दुरुस्त करने की चीज़ है, हमें उसको भी करना है, ये बुनियादी तौर पर फिर लगता है कि शायद आपकी वज़ाकता से, लिबास से, या जो आपकी कल्चरल चीज़ें हैं उससे एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये ठीक है या नहीं है। आपके ख्याल में कहाँ पर ख़राबी इस मामले में भी हमें नज़र आती है, और जो तकसीम है, बहरहाल इसको किसी साथ साथ वो भी तो ज़ेर बहस रहेगी। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, मैं तो डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार, दूसरी बार जाहिर और बातिन की बात। मैं तो बैरिस्टर साहब से कहा था कि मस्जिद पकड़े, क्योंकि मस्जिद वालों ने पार्लियामेंट पकड़नी थी, उन्होंने तो नहीं पकड़ी, तो अब एमपीए एमएनए का काम है मस्जिद में दाखिल हों, शाबाश, टेक ओवर, इस्लाम के नाम पे आए, इस्लाम को पावर दें, ये मेरा मुकदमा। ये जाहिर बातिन की बातें तो बहुत दाखिली किस्म की बातें हैं, मैं इस वक्त बैरूनी मसले बता रहा हूँ आपको। देखिए उनके ये जो बात है, देखिए मेरे ख्याल से एक चीज़ इस पर बड़ी बहस है, उनका एक नुक्ता नज़र है साहिल साहब का, लेकिन मेरा अपना नुक्ता नज़र है कि ये यहूद के यहाँ वो जो जिस मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे वो उसे नबी बादशाह समझते थे, तो इसलिए वो तवक्को लगाते थे रसूल पाक भी कि वो कोई बादशाहत कायम करने आएंगे, जो कि आखिर तक पैगम्बर पाक ने वो बादशाहत कायम नहीं की, क्योंकि रसूल पाक कोई ज़ाहरी हुकूमत लेने और कायम करने आए नहीं थे। इसीलिए आपको याद होगा कि रसूल पाक ने जितना भी ये मामला किया है ये आपके अखलाक और आपकी बातनी तरबियत के लिए किया है, मेरा जो इस पे मौकफ है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बजाय कोई मस्जिद संभालने के या समाज संभालने के, पहले तो ये वो कहते हैं ना कि बज़ाहिर ये छोटा सा जिस्म है लेकिन इसके अंदर एक जहान छुपा हुआ है, और पहले तो मुझे इसकी अपने ऊपर हुकूमत करनी है, अपने ऊपर हुकूमत करनी है। मुझे फलस्तीन वाला एक मामला था साहिल साहब, नमाज के हवाले से ना जो उनका इतराज था उसको दो मिनट में बयान कर दूं। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रईतुमुनी उसल्लियो कमा काल, के नमाज पढ़ो ऐसे जैसे मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। ये जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, इनकी इतनी समझ लें कि ईमानदारी यकीनी तौर पर है कि जिस सहाबी ने जिस वक्त में जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा इसी तरह आगे बयान कर दिया। नमाज एक ऐसी चीज है कि जिसके मतलब नमाज का कोई एक तरीका मुहैया नहीं। मेरी अर्ज सुन ले, क्लियर होती जाए ना बात, जब कंप्लीट कर लो फिर उसी आप कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथ, फिर इसका मतलब है कोई मुहैया तरीका नहीं है ना। देखिए ये बात तो इसी तरह अंदर है, मैं कुरान से आपको दलील पेश करता हूँ। जी फरमाए, कुरान कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता वअंतुम सुकारा, जिससे ये साबित होता है कि पहले लोग कोई नशे की हालत में या हालत सुकर में भी नमाज पढ़ लिया करते थे, इसी वजह से कुरान ने मना किया ना कि नमाज की हालत, नशे की हालत में तुम नमाज के करीब ना जाओ। इसी तरह पहले नमाज के अंदर कलाम करने की इजाजत थी, बाद में उसे, उनका बैरिस्टर साहब का जो सवाल है ना, वो ये अदायगी जो है, मतलब बाज़ जगह पर रफा यदायन है, बाज़ जगह पर नहीं है, बाज़ जगह पर आ रहा हूं कि पहले उसके अंदर इजाजत थी कलाम करने की। आपने आयत पढ़ी है ना, उधर उससे मुराद ये नशा तो नशा है, नशा तो दौलत का नशा है, नशा आपको अपनी ताकत का नशा है,
उसमें भी ना जाए ना खुदा, नमाज तो बेहयाई से रखने का नाम है। तो नशा तो ये कौन से नशे की आप बात करेंगे, मैं तो पहले कह रहा हूँ तरीके की बात, तरीके की बात। आप कह रहे हैं कि देखिए अभी मैं बहस नहीं कर रहा, एक गुफ्तगू है, आप उसे तूल, ये बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है सीधी बात भाई। ऐसे अगर किसी साहबी ने देखा है तो इसका मतलब है रसूल ने ऐसे भी पढ़ी है, अगर किसी साहबी ने ऐसे देखा है तो इसका मतलब है रसूल ने ऐसे भी पढ़ी है, अगर किसी साहबी ने ऐसे देखा है तो इसका मतलब है कोई नमाज का एक मुअय्यन तरीका नहीं है। देखिए नमाज के अंदर मैं अगर इसको शॉर्टकट करके बयान करूँ ना, कि अगर हर बंदा, बल्कि मैंने इसको एक प्रोग्राम में मेंशन भी किया था कि इबादत नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं का, कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ सीने पर बांधे तो क़यामत तक ऐसे लोग भी मौजूद रहेंगे कि जो सीने पर हाथ बांधेंगे, अगर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ेरे नाफ़ हाथ बांधे तो वो भी लोग मौजूद रहेंगे। असल मसला नमाज के, नमाज की पढ़ने के हवाले से, वो तो बात बड़ी बात की है ना। मैं तो ये कहता हूँ कि बहस करनी चाहिए, जो नमाज नहीं पढ़ता वो नमाज पढ़े। मुझे नमाज पढ़ा के आप फिरका में सवाल कर रहे हैं, कौन सी पढ़े जिसमें दूसरा बंदा काफिर ना कहे उसे, ये बताइए। जी कहिए। मैं अदील बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी जी अदील साहब, मैं आपकी ट्रांसमिशन देख रहा था, उसमें मुफ्ती साहब भी बैठे हुए हैं और बिरसे साहब भी बैठे हुए हैं, साहिल अदील साहब भी हैं। मेरा एक सवाल था वो ये कि हम देखते हैं दुनिया में ओआईसी में भी अगर हम देखें 56 ममालिक हैं, और जब फलस्तीन इशू की बात आती है तो सिर्फ पाकिस्तान ही हमें क्यों नजर आता है हमेशा आवाज उठाते हुए। हम देखते हैं जरा एहतजाज भी पाकिस्तान में हो रहा है, ये बाकी इस्लामी ममालिक जो हैं ये अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील साहब। साहिल साहब, इससे पहले भी एक सवाल उकाड़ा से आया था, उसमें भी यही था कि फलस्तीन के मामले में, तो आपको लगता है कि ये सारे का सारा जो दर्द है वो सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को ही है, और वो भी एहतजाज बयानात की हद तक है, तो ये जो अरब ममालिक हैं या जो और मुस्लिम ममालिक हैं, ये 56-57 ममालिक खुद ओआईसी के हैं, वो कहाँ सोए पड़े हैं? सर जब आप ममालिक का लफ्ज बोलते हैं ना, तो फिर ये पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स के करता धरता लोगों की शक्लें सामने लाया करें, जब आवाम के लफ्ज बोलते हैं तो फिर मैं और आप आते हैं, ठीक है। सो अरब की भी आवाम, अफ्रीका की भी आवाम, मैं एक बहुत डीप लेवल पे कनेक्टेड हूँ इनके क्लस्टर के साथ, ना सिर्फ इंतमाही तौर पे, इनफरादी तौर पे भी, और अमेरिका के मुसलमान, यूरोप के मुसलमान, मैं हम पाकिस्तान में हैं इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि हर जगह पैसे ही लगता है, मगर अब जरा नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा इस लेवल के ऊपर हमने पैसे इस दफा फलस्तीन के लिए इकट्ठे किए, पाकिस्तान से तो नहीं जा सकते थे तो मुझे बाहर से करने पड़े ना, टोरंटो से करने पड़े। जिस तरीके से लोगों ने वॉलंटियर किया, जिस तरीके से लोगों ने खुद कहा, खवातीन ने खुद वॉलंटियर किया कि हमें ले जाओ, बेशक मर जाने दो, बेशक वन वे ट्रिप है, बेशक इसराइल मार दे, हम यहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ तक लाइक इस लेवल की सीरियसनेस है। तो जहाँ पे दो नंबर ही आती है वहाँ पर सियासतदान आ रहते हैं, उन्होंने अपने अपने छोटे खुदा बनाए हुए हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आप ये क्या बहस में पड़ गए, आपके सामने एक सियासतदान बैठे हुए हैं, एक मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो करंट प्रोड्यूस होनी है उसे फलस्तीन आजाद हो सकता है, मगर ना मुफ्ती फतवा देगा ना सियासतदान सियासत करेगा, तो दीन पूरा हो नहीं रहा। सो असल में कहानी यही है कि ये नमाजों के मसाइल और फिरके के मसाइल, ये बहुत बात की बात है। इस वक्त दो फिरके हैं, एक जो मुसलमान ये कहता है कि दीन जो है वो फर्द का इंफरादी मामला है, और दूसरा कहता है नहीं जी, दुनिया के पूरे के पूरे इंतजाम करने और निज़ाम पे लेके आने को, पूरे अल्लाह का निज़ाम को दुनिया में नाफिज करने का नाम दीन है। ये दो फिरके हैं बस, बाकी शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी ये सब तो बहुत ही नीचे बात की डिस्कशन है, ये बाद में करेंगे जब हम ताकत में आ जाएंगे, हुकूमत हमारी होगी। इस वक्त तो हमारा ये फिरका होना चाहिए कि हमारा नाम बच्चे का नाम पीटर रखे या बेटी का नाम समंथा, इस वक्त तो ये मसले हुए हैं, लड़का गे होगा या लेस्बियन, मसाइल ये चल रहे हैं हमें, और हम डिस्कशन कर रहे हैं शिया ठीक है या सुन्नी ठीक है, क्यों? क्योंकि उन हमारा जो इस वक्त का फाते है जो ताकत में यूरोप है, उनके जो मसाइल है हमारे घरों में दाखिल हो रहे हैं, सियासत उधर करनी है, मजहब और दीन के मसाइल इधर डील करें, जो यूरोप के ऐवानों से फलस्तीन के घरों के अंदर बम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दैट व्हाट दे एक्चुअली डिमांड, उनकी किताब में लिखा हुआ है कि ये वाला खिता जब तक हमारे कब्जे में नहीं आएगा हम सारे यहूदियों को बुला नहीं सकते, जब सारे यहूदी आ जाएंगे तो हमारा मसीहा आ जाएगा, और उसके बाद तो क्या करेंगे, अल्लाह का निज़ाम पूरी दुनिया पर नाफिज कर देंगे, ये लिखा हुआ है उनका और बोलते भी हैं,
ये वो मजहबी जमात है यहूदियों की जो यूएन में जाके तौरात की आयतें सुना सुना के लोगों को कहती है कि अल्लाह ने कहा है हमें ये हमारा लैंड है। एक मुसलमान है जो कि यूएन में खड़ा होकर ये कह सकता है कि पूरी दुनिया मुसलमानों की लैंड है, वो अपना मजहब प्रैक्टिस करें तो क्या बात है, कितने जबरदस्त पॉलिटिशियंस हैं। हम अगर अपना मजहब प्रैक्टिस करें तो पता चलता है कि नहीं, हम तो अलकायदा वाले हैं। ऐसे इसलिए कह रहा था कि मुफ्ती साहब और तमाम मुफ्तियान ने अपनी वैल्यू तो जीरो कर दी हुई है। कोई बात, इस वक्त मुझे पॉलिटिशियन से बात करवाएं, वो है असल में ताकत में, इन लोगों का इन्फ्लुएंस चलता है। ये अगर मस्जिद में दाखिल होकर मिंबरों में बैठ के अल्लाह रसूल के बात करके उनकी सीरा के थ्रू औजान दुरुस्त करें कौम के, तो 10-20 मिनट में काम हो जाएगा, जो कि पूरे पूरे साल के जुम्मे के खुद में मुफ्ती साहब नहीं कर सकते। बिकॉज लड़का और लड़की दोनों को पता चल गया है कि मस्जिद के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस बेचारे ने अपनी हैसियत साबित करनी है मौलवी ने, और इसलिए हर वक्त नमाज रोजा ज़कात की बातें करेगा, हर वक्त कोई नया मसला खोल के बताएगा इसके पीछे ये फतवा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये वाली मसाइल भी ना मैंने बताए तो मेरा काम क्या दुनिया में। और टीवी के ऊपर देखें, पिछले 70 सालों से एक भी मजहबी बंदा अवाम को इस तरीके से जकड़ नहीं सका कि भाई दीन को पूरी तरीके से लेके, और कौन लेके आता है, भुट्टो लेके आता है, जियाउल हक लेके आता है, नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, 99% लोग हर वक्त इन लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि उनको पता है निजाम असल में बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे रहन सहन, हमारे बीवी बच्चे, हमारे फ्यूचर डिपेंड करते हैं कि इमरान खान को क्या ख्याल आया है, जरदारी को क्या ख्याल आया है, क्या कौन सा मूड है इसका, किस फलसफे के तापे आ गया, हमारी नस्लें उजाड़ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि असल में दीन के आह्वान कौन से हैं, दीन किन दरवाजों से दाखिल होगा और दीन किन दरवाजों से हमने एक्चुअली रफा कर दिया अपने अपनी जिंदगियों से। तो इसलिए असली बात करें, रमजान का फायदा उठाएं, तमा टीवी से मेरी दरख्वास्त है पूरी कौम का IQ बढ़ाएं, इस वक्त असली मसले को डिस्कस किया जाए। ये छोड़ दें कि टखने ऊपर हैं, टखने नीचे हैं, हाथ सीने पर बांधे हैं कि नहीं बांधे, ये हुक्मरानों के नखरे होते हैं इस तरह की डिस्कशन करना। हम तो महकूम है, हम तो गुलाम है इस वक्त, हम क्यों इस तरह की बातें करें। तो साहिल साहब, ये जो आपने महकूम और गुलाम का जिक्र कर दिया है, ये चंद दिन पहले एक मौजू यहाँ पर छिड़ा हुआ था, फातेह और मफतू, आपके ख्याल में हम मफतू हैं? हाँ, मेरे ख्याल में क्या सर, आप किसी से पूछ लें, हम सबको पता है, हमारा ऑल, हमारे पास विक्टोरिया के बनाए हुए कानून है, हमारा जो करेंसी है वो डॉलर की वजह चलती है, हमारा सारा का सारा जो ये जो सियासतदान हमारे बैरिस्टर साहब बैठे हुए, इनसे पूछ लें हुक्म कहाँ से आता है, वॉशिंगटन से आता है, ठीक है, कहाँ से आता है कभी? लेकिन हम तो अच्छा आजाद हो चुके हैं 14 अगस्त 1947 को साहिल साहब। 14 अगस्त 1947 नहीं सर, असल में 1919 और 1924 के अंदर जो वाकयात हुए वो देखें, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखें, अगर तुर्की जीत जाता तो हमारे हालात कुछ और होते, तुर्की हार गया, जर्मनी हार गया, तो उसके बाद से ये सारे मामलात हुए। आप क्या समझ रहे हैं कि ये अल्लाह ने लकीरें लगाई हैं बहरीन और कतर के बीच में, सऊदी अरब और फलस्तीन के बीच में, ये विंस्टन चर्चिल ने लगाई हुई है, ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने घर पे बैठ के अपने दीवार के ऊपर लकीरें लगाई थी, और किसका किससे सौदा हो गया है तो वहां पे लाइन लगा दो, किसके किससे डील हो गई है तो लाइन लगा दो, इस तरह मुल्क बने में हमारे, ये इस तरह नहीं आजादियां मिलती होती कि गोरा अपने बैक यार्ड में बैठ के बताएगा इस जगह से बठिंडा से लेके काबुल के बीच वाले लोगों को कह दो मुसलमान पाकिस्तान में आजाद हो गए, ऐसे नहीं होगा। वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि असल में फातेह कौम कौन सी है, वो असूल बनाती है, वही कानून बनाती है और उन्हीं का सिक्का चलता है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि पहले ताकत में आ शाबाश, वरना नहीं तुझे कुरान समझ आना। ठीक है जी आमिर साहब, देखिए जो बात बार बार की जा रही है कि पहले हम लोग ताकत में आए हैं और वॉशिंगटन से आता है वैसे सब कुछ, देखिए जो ताकतवर होगा वहां से आएगा, जब आप कभी ताकतवर थे आप भी तलवार के जरिए हर जगह पे गए, और जहाँ जहाँ आप तलवार के जरिए गए क्या वहाँ पे आज इस्लाम मौजूद है? देखिए ये तो ताकत की जुबान है, मानते कि वाशिंगटन से हुक्म आते हैं? नहीं बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते? और ये अगर आपके लिए वाशिंगटन से इंपोर्ट किए हुए सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपको पसंद आती हैं, फिर हुक्म भी वहीं से आएंगे। अगर आप उनका सारी चीज़ें बंद कर दें वाशिंगटन की लेना, तो फिर हुक्म भी नहीं आएगा। हुक्म क्यों आता है? क्योंकि आप उनसे ज़रूरतमंद हैं, आपको डॉलर चाहिए, डॉलर के बगैर आप नहीं रह सकते हैं, आपको खाने की आदतें अब डॉलर के वाली हैं, आप बिला वजह तेल फूंक रहे हैं गाड़ियों में, एक एक बंदा एक एक गाड़ी में फैर रहा है, फिर आपको डॉलर चाहिए इसके लिए, और जो आपको डॉलर देगा वो आपको हुक्म भी देगा। ये तो इतनी नहीं, ये तो मेरे ख्याल से जज्बाती गुफ्तगू ज़्यादा है, और एक ख्वाब है कि हम दुनिया के ऊपर हुकूमत करें। जब हम ताकत में थे मुसलमान,
तो किसी भी तारीख में चले जाएं आप, बगदाद में जाना है उधर चले जाएं, जब बाद रसूल खिलाफत राशिदा आई है तो उसका अख्ताम किस पे होता है? जनाब उस्मान गनी को जब शहीद किया जाता है तो क्या हालात थे, क्या कसम पुरसी थी, क्या मामलात थे, किन के ऊपर? खलीफा अव्वल के बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगा है उनके कत्ल का, और उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई एक MNA MPA उठेगा और वो मस्जिद पे कंट्रोल हासिल कर लेगा, ये ख्वाब हो सकता है? हो नहीं सकता, क्योंकि जो इस्लाम, ये ख्वाब हो सकता है, ख्वाब हो सकता है, मेरी बात सुन लें, क्योंकि देखिए जो इस्लाम वाले सारे थे जो रसूल के साथ रोज़े अव्वल से थे शरीक, चलें मैं सबसे एग्जाम्पल देता हूँ कि जिनके बारे में जनाब मौला अली पहले दिन से थे, साथ थे ना साथ, लेकिन बाद रसूल एक वक्त ऐसा भी आया कि जो इब्ने हिंदा थे, अमीर शाम थे, अबू यजीद थे, वो ताकत में थे, अक्सरियत उनके साथ थी, अली के साथ नहीं खड़ी थी, तो कौन सा बंदा अब इतना ताकतवर आएगा, अली से भी ताकतवर आएगा इस्लाम के अंदर कि वो ये बॉर्डर्स और ये लकीरें ख़त्म करवा देगा? बात वाशिंगटन हुक्म सिर्फ इधर नहीं आता, खादिम हरमैन शरीफैन को भी हुक्म उधर ही से आ रहा है, सारे उसी के ऑर्डर से चल रहे हैं भाई, सारे उसी के ऑर्डर से चल रहे हैं, खादिम हरमैन शरीफैन है, लेकिन ऑर्डर्स वाशिंगटन के, ऑर्डर वाशिंगटन से चल रहा है। साहिल साहब यहाँ पे हम एक वक्फा ले रहे हैं नमाज का, नमाज असर का, और ये एक क्या एक MNA या एक एम किसी एक मस्जिद में चला जाता है या वो अपनी मस्जिद बनाकर कंट्रोल शुरू करता है, तो इस पर तो फिर इसका 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 भी जरूर आपकी राय लेंगे कि क्या वाकई इससे कोई तब्दीली आ सकती है या नहीं आ सकती है? मेरा ख्याल है कि नमाज की तरफ चले, नमाज की ब्रेक लेते हैं, बस हम अभी वापस आ रहे हैं, और देखिए इसके बाद नमाज असर है, नमाज असर, नमाज असर के दौरान आप लोग मीरब ने दस्तरखान से आज तो बहुत एक एक्सक्लूसिव डिश है जो मीरब ने तैयार कर रखी है और वो बना रही है और उसने हमारे साथ भी शेयर की है, तो मैं खुद भी देखूंगी, आप भी देखिएगा, तब तक हम लेते हैं असर ब्रेक और आप देखिए समा किचन मीरब के साथ। नाज़रीन समा डिजिटल के साथ मैं हूँ मीरब ज़ीशान, समा का दस्तरखान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। नाज़रीन रोज़ की तरह मैं आज भी मौका फेज 6 में चली आई और मैंने सोचा कि अपने नाज़रीन के साथ अच्छी सी रेसिपी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ा है ये सवाल दिल में आता होगा कि आज क्या बनाएं, क्या नया हो, पुरानी चीज़ें ना ट्राई की जाएँ, तो आपकी खिदमत में हाजिर मैं मौका फेज 6 में आई हूँ और अभी मैं इसे किचन की तरफ बढ़ रही हूँ, तो फिर आपके साथ अच्छी सी रेसिपी शेयर करते हैं, उसको ट्राई कीजिए, मेरा वेट कीजिए। जी व्यूअर्स, तो हम लोग इस वक्त मौका पे इससे किचन में मौजूद हैं और आज हम लोग इनका सिग्नेचर चिकन ट्राई करने वाले हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा रोज़ा भी लग रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना शेफ तारिक से रिक्वेस्ट की जाए कि आपकी एक स्पेशल डिश है तो आप इसको खुद ही अपने प्यारे हाथों से बनाएं। तो शेफ तारिक मेरे साथ मौजूद हैं और आगे की कन्वर्सेशन शेफ तारिक करेंगे। जी नाज़रीन, सबसे पहले हमने इसमें वन पर्सन के लिए दो स्टेक ली, उसको आप हैम भी खा सकते हैं, लेकिन मैं ये टन फ्राइज करूँगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है इसलिए। ठीक है, और अगर ये ना हो तो हम फोक यूज़ कर सकते हैं? फोक भी यूज़ कर सकते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। इसको प्लीज आप जरा हमारे व्यूअर्स को दिखाएं कि ये किस तरह अंदर तक, ये देखिए, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए, मैरिनेट हो जाएगा, मैरिनेशन इसके अंदर तक जज्ब हो जाएगी। बिल्कुल सही। सबसे पहले हमने इसमें गार्लिक लिया, गार्लिक लिया जी, एक टीस्पून। ठीक हो गया। ठीक है, हमने एक पर्सन के लिए करना है, ये चिल्ली सॉस है हमारे पास, चिल्ली सॉस हो गई, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये हमारे पास पपीता है, पपीता है, पपीता ग्राइंड किया हुआ है, ग्राइंड किया हुआ है, ये बड़ा सीक्रेट होता है रेस्टोरेंट्स का, आपकी रेसिपी बहुत सॉफ्ट होगी, जबरदस्त और मजे की, जबरदस्त। ये लेमन जूस है जो है आपके साथ हाफ टेबल स्पून लेमन जी। ये सोया सॉस है, सोया सॉस ऐड हो गई जी ना, तो अच्छी तरह मिक्स किया। ठीक हो गया, ये ऐसे करके दिखाइएगा कि ये इस तरह से आपने इसकी पेस्ट तैयार कर ली। अब इसमें हम जो ये पपीता होता है ये बेसिकली आपकी ये जो पेस्ट बनती है इसको सॉफ्टनिंग देता है, सॉफ्टनिंग देता है, सही। ये क्रश चिली है, क्रश चिली हाफ टी स्पून, इसके बाद हाफ टी स्पून हमारे पास सॉल्ट है, ये ब्लैक पेपर है हमारे पास, क्रश्ड ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून, ये हमारे पास रोजमेरी है, रोजमेरी का अरोमा बहुत अच्छा आता है,
अरोमा बहुत अच्छा आता है, क्या बात है। देखिए इसको डालने का भी ये तरीका है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा हाथ से क्रश करते रहें। जी हमारी मैरिनेशन रेडी है। मैरिनेशन रेडी है, बेहतरीन किस्म की। अब हम इसमें चिकन डिप करेंगे। ठीक हो गया। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम इसको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के लिए इसकी मैरिनेशन कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर आप 10 से 15 मिनट स्टे करेंगे तो और अच्छा होगा। और अच्छा हो जाएगा। जितनी देर यानी चीज़ मैरिनेट होती है उतना ज़्यादा उसका टेस्ट डेवलप होता है। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम 5 मिनट्स मैक्सिमम आप जितना मर्जी कर सकते हैं। कर सकते कम से कम 10 से 15 मिनट। जी नाज़रीन हमारा मैरिनेशन रेडी है। मैरिनेशन रेडी है और नाज़रीन आपको मेरे पीछे यकीनन ये कुकिंग की फ्राइंग की आवाज़ें आ रही होंगी और ये सारी जो आवाज़ें हैं ये वो मेहनत है जो अभी हो रही है इफ्तार के लिए, क्योंकि हमारा सारा जो भी इफ्तार का मेन्यू है वो रेडी हो रहा है। साथ साथ जो हम लोग समा में लेके जाएंगे जो मौका हमारे लिए स्पेशली बना रहा है, तो अभी आपके साथ हम लोग इसकी रेसिपी हम तकरीबन हाफ रेसिपी शेयर कर चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इसको कुक कैसे करेंगे। 5 मिनट्स का टाइम है, इसको मैरिनेट करेंगे, फिर इसकी कुकिंग दिखाएंगे और फिर इसकी सर्विंग दिखाएंगे। ये हमारे 5 मिनट पूरे हो गए हैं, हम इसको ग्रिल करेंगे। अगर आपके पास कोलों वाली ग्रिल हो तो और भी फ्लेवर अच्छा होगा। क्या बात है। अच्छा ये पैन गरम करके हमने इसमें ऑयल डाला हुआ है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। ताकि ये इसके साथ चिपके ना। जबरदस्त। ये बस 3 से 4 मिनट में रेडी हो जाएगी। एक ग्रिल पैन ले लें वैसे अच्छा रहता है, ब्रेड भी बड़े मज़े की उससे ब्राउन होती है और जिनके पास है बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। शेफ साहब ये जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं इनकी क्या केयर होती है वॉश करने में, और इसको ये जैसे अब आ गया ये इसके ऊपर लग रही है फोम के साथ। जी जी एक साइड से थोड़ा सा हो गया और हमने इसकी साइड चेंज कर दी। तो हम लोग बहुत तेज आंच पे यूज कर सकते हैं नॉन स्टिक बर्तन। जी कर सकते हैं, मीडियम आंच पे। और कैसे पता चल जाता है कि स्टेक हमारी रेडी हो गई है, अंदर तक कुक हो गई है? इस पर निशान पड़ जाएंगे और ये पानी छोड़ना बंद हो जाएगा। वाह 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 वाह, निशान पड़ जाएंगे और पानी छोड़ना बंद कर देगा, तो इट मींस कि ये रेडी है। क्योंकि जब तक ये रेडी नहीं होगा, इसमें से आप देख सकते हैं कि इसकी मैरिनेशन और ये इसके जिस तरह से ये पक रहा है वो ये निकलता जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सॉस की तरफ जाएंगे हम। सॉस की तरफ जाएंगे हम। ठीक है, सॉस भी हम इसी तरह यहीं पर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, क्या बात है, जबरदस्त मजे की इसके ऊपर वो जो है ना वो लाइन सी नजर आ रही है और उसकी वजह से पता लग रहा है कि अच्छी सी स्टेक हमारी बन चुकी है। अच्छा वैसे अंदाजन कितने मिनट्स के लिए हम इसको लाइक कुक कर सकते हैं? अगर नॉर्मल आंच है तो 5 से 6 मिनट। हमारे पास टाइम कम है इसलिए 15 से 4 मिनट में ये हो जाएगी। तकरीबन रेडी है स्टेक हमारी, रेडी है। अब हम बढ़ते हैं सॉस की तरफ। शेफ साहब अपनी स्पेशल सिग्नेचर सॉस हमारे साथ शेयर करते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारा चिकन रेडी है। रेडी है। सो व्यूअर्स, हमारे पास पैन रेडी है। शेफ तारिक हमारे साथ अब सॉस की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। शेफ साहब प्लीज बताइए। सबसे पहले हमने चिली सॉस, आप हॉट सॉस भी ले सकते हैं, यानी पैन में बगैर ऑयल के आप डायरेक्टली चिली या हॉट सॉस डाल दें। ठीक हो गया। ये मेरे पास चिली गार्लिक है। चिली गार्लिक जी। सोया सॉस है। सोया सॉस। आप इसमें टेस्ट के लिए हनी ऐड करेंगे। क्या बात है, हमारी सॉस चटपटी सॉस होगी। जबरदस्त, तो इसमें हनी भी ऐड होता है। जी अमेजिंग। ये मिक्सिंग हो रही है विदाउट ऑयल, ये सॉस तैयार हो रही है। टेस्ट में हम सॉल्ट 1 पिंच और ब्लैक पेपर
one pinch of salt and one pinch of crushed black pepper. इसमें हम हल्का सा पानी ऐड करेंगे पानी ताकि हमारी सॉस अच्छी तरह पक जाए. जबरदस्त. इसको हम कितने टाइम तक पकाएंगे? दो से तीन मिनट में. दो से तीन मिनट के लिए ये सॉस पक रही है. जैसे ही ये तैयार होती है हम आपके साथ इसकी रेसिपी यानी रेसिपी हम शेयर कर चुके हैं और इसकी हम लोग आपको प्रेजेंटेशन अब बताएंगे. शेफ साहब इसके अंदर हम लोग चिकन ऐड करेंगे या इसको चिकन के ऊपर डालेंगे? चिकन के ऊपर आएगी. तो नाज़रीन हमें बस अब दो से तीन मिनट का वक्त चाहिए और उसके बाद ये सॉस हमारी तैयार होगी. आपके साथ हम लोग इसकी प्रेजेंटेशन का तरीका फिर शेयर करते हैं. हमारी सॉस तैयार है. तो जब आपकी सॉस इस तरह से बॉइलिंग दे तो इट मींस के वो रेडी है. हमने पानी ऐड किया था वो खत्म हो गया. पानी आपने सुखाना है और सॉस की तरह वापस आना है. ब्यूटीफुल. अब हम लोग आपको इसकी सर्विंग दिखाते हैं. मेरे साथ ही रहिएगा जी. नाज़रीन आप देख सकते हैं कि शेफ साहब ने किस तरह से प्लेट को पहले डेकोरेट किया है. इन्होंने मेरे ख्याल से सिराचा मायो सॉस लेकर उसके साथ इसको चम्मच से स्पून से ही इस तरह से किया है और ये छोटे छोटे स्पॉट्स इन्होंने टोमेटो केचप के लगाए हैं जिससे ये आपकी प्लेट जो है वो डेकोरेट हो गई है. प्लेट डेकोरेट करने के बाद अब बाकी हम आगे क्या करने वाले हैं हमें शेफ साहब बताएंगे. ये हमारे राइस है जिनको हमने बॉयल किया हुआ. बटर राइस. बटर राइस है. ये किस तरह से प्रिपेयर होते हैं? बटर में बटर सोते किया, मेल्ट हो गया जब से, ठीक है, तब इसमें बॉयल राइस किए और ग्रीन ऑनियन. ठीक है, तो आपने बटर पहले हल्का सा उसको मेल्ट कर लिया, उसके अंदर आपने बॉयल्ड राइस ऐड कर दिए और उसके बाद आपने उसके अंदर ग्रीन अनियन ऐड कर दिया. हमारे पास टाइम कम था इसलिए हम आपको राइस की रेसिपी नहीं अभी शेयर कर सकें. प्रॉपर इसको कुक करने का तरीका हम आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करेंगे. अभी आपको इसकी सर्विंग दिखाते हैं. तो ये इस तरह से छोटे से बोल में इन्होंने राइस को रखा कुछ देर और उसके बाद इसको इस तरह सर्व किया और अब ये आगे हमारे स्टेक फिलेट. देखिए शेप का भी साथ साथ उनको अंदाजा है कि उन्होंने कौन सी शेप कहाँ पे रखी है. वेजिटेबल्स हैं. इनको आपने किस तरह से सॉर्ट किया है? ऑयल में हल्का फ्राई किया है. ऑयल में लगाया और क्या लगाया? सॉल्ट. यानी ये सॉल्ट और ब्लैक पेपर. ओरिगानो. ओरिगानो भी है. बिल्कुल ठीक है. इसमें कैरेट है, एवोकेडो है जी. और ये इसको इसको क्या बोलते हैं? फ्रेश बीन. क्या बोलते हैं? फ्रेश बीन. फ्रेश बीन जी. ठीक है. तो अब हमारे पास यहाँ पर वेजिटेबल्स में कैरेट है, एवोकेडो है और फ्रेश बीन है. ये हमारी सॉस है जो हमने प्रिपेयर की थी. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. और शेफ साहब स्पून किस तरह से रखते हैं इसके साथ? सबसे पहले आप लोग ग्रीन अनियन इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे. और इसके साथ हम लोग स्पून साइड पर सर्व कर देते हैं. बेहतरीन. नाज़रीन आप देख सकते हैं मेरा चेहरा और शेफ साहब का चेहरा पसीने से हमारा हाल बुरा है मगर हम सफाई का ख्याल रखते हुए इस तरह से हमने ये सिग्नेचर चिकन बाय मौका तैयार किया है. और नाज़रीन सबसे अच्छी बात ये है कि इनमें हम्बलनेस आप देखें कितनी ज़्यादा. जितनी मर्जी गर्मी है, जितना मर्जी काम हो रहा है, प्रेशर है, एक तरफ इफ्तारी बन रही है, दूसरी तरफ आपके लिए हम लोग स्पेशल सिग्नेचर रेसिपीज शेयर कर रहे हैं. तो शेफ साहब जो है वो फुल गर्मी में लगे हुए हैं मेहनत करने मगर उनके फेस पे स्माइल वैसी की वैसी है. तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब आप किचन में काम करते हैं तो आप हम्बल होकर काम करें बिकॉज खिदमत करने में ही कहते हैं कि आपको दुआएं लगती हैं और बहुत ही अच्छी बात होती है कि आपके साथ इस तरह हम लोग रोज़ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो शेयर करते रहेंगे. फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. आपसे मुलाकात होगी कल. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. वेलकम बैक टू रमज़ान का समा. अफ्तारी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद. समा किचन में आपने मीरब से मुलाकात की. मीरब ने आज बहुत मज़े का मेन कोर्स मेन्यू बनाया है जो कि अफ्तारी में इस्तेमाल होगा. अफ्तारी में हम चखेंगे भी और देखते हैं कि किस तरह की मज़े की रेसिपी आज मीरब ने ट्राई की है और फिर हम मीरब को ग्रेड्स भी देंगे, ज़रा मार्क्स भी देंगे. हाँ, जो भी बनाया होगा लेकिन अच्छा ही बनाया होगा. अच्छा ही बनाया होगा. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. मुफ्ती साहब ने भी कॉमेंट दिया कि जो भी बनाया होगा अच्छा ही बनाया होगा. अच्छा ही बनाया होगा. साहिल साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम. साहिल साहब सुन रहे हैं? साहिल साहब अभी हमारे साथ नहीं है. तो बैरिस्टर साहब आपका ये मानना है
कि एक एमएनए या एक एमपीए से मसला हल नहीं हो सकता, लेकिन अगर पूरी सियासी क्यादत ये तय कर ले और सिर्फ पाकिस्तान की ही कर ले तो मसाइल बेहतर हो सकते हैं, हल की तरफ जा सकते हैं? देखिए, हम लोग शुरू से ख्वाब देखते हैं कि कोई शहजादा आएगा और हमें आज़ादी दिलवा देगा, या कोई बादशाह आएगा और वो हम सबको ठीक कर देगा। मैं ये नहीं समझता। कमेंट ले लें अगर आप इजाजत दें तो। साहिल साहब अस्सलाम वालेकुम, सुन रहे हैं साहिल साहब? जी जी, आ रही आ रही। जी साहिल साहब, बैरिस्टर साहब का ये मानना है कि हम इंतज़ार में है कि कोई शहजादा और बादशाह आएगा और हमें आज़ादी दिलवा देगा, और दूसरा एक एमएनए या एमपीए से ये मसला हल होने वाला नहीं है, ये कुछ जज्बाती बातें हैं जिस तरह से आप अभी फरमा रहे हैं। सर, यही डिफीटिस्ट साइकोलॉजी जो है ना, ये पूरी कौम को दबा करके बैठी है। मुझे उससे तब आता है जब हमारे पीपल ऑफ पावर इस तरह के डिफीटेड सैडिस्टिक किस्म के साइकोलॉजी में आ जाएं। एक बादशाह ने आना था कि नहीं आना था? बादशाह जो है ना, मुझे नहीं पता आप किस पार्टी के हैं, मगर पीपल पार्टी ने भी अपने शहजादे सिर्फ इसलिए कि वो जरदारी का बेटा है उसको बादशाह बना दिया, और उसने मरियम नवाज जिसको उसकी बेटी है बना दिया। आप लोग तो खुद बादशाह बनाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, मुसलमान जवान को इस डिफीटेड साइकोलॉजी से निकाल लें। इस्लाम एक ख्वाब नहीं है, ये लफ्ज इस्तेमाल करना बंद करें। इस्लाम इज रियल, इस्लाम हक है, ख्वाब नहीं है। जिस तरीके से आप लोग इस्लाम को कहते हैं ना कि मुसलमान के पावर में आना एक ख्वाब है, तो ये कुफर में आता है लिटरली। आप इस्लाम के नहज के खिलाफ जाते हैं जब ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मुझे पता है कि मुसलमानों ने अपने आप को खुद जमीन पर रगड़ दिया, मगर वो इसी वजह से रगड़ा, हमारी डेफिनेशन गलत थी। जो कि दुरुस्त बात नहीं है। देखिए, मैं आपसे गुफ्तगू जो कर रहा हूँ, एक तो ये साइकी से निकलें फ़लाँ, मेरे ख्याल से अंदाज़ होता है गुफ्तगू का, और गुफ्तगू की जानी चाहिए। आपके अपना ख्यालात हैं, मेरे अपने ख्यालात हैं, और ये शहजादे शहजादियों के ताने देना, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे गुफ्तगू कर लेने दें, मेहरबानी फरमाएँ, मेरी भी गुफ्तगू मुझे कर लेने दें, मेरे अंदाज में। मैं आपके अंदाज में, आप समा वाले मुझे बुलाते हैं हर दफा, एक दफा मुफ्ती साहब मेरे ऊपर चढ़ाई करते हैं, दूसरी तरफ ये लोग चढ़ रहे थे, मेरा जुमला तो पूरा कर लें। कौन से आदाब हैं? जब एक मैं बयानिया जारी करने लगता हूँ, बीच में एक बंदा काटने के लिए आ जाता है। अरे तो भाई, आप भी ना काटो बीच में, आप कौन हो? समझ लिए, आप क्या समझते हैं कि आपको हर राइट हासिल है बोलने का ऊंचा? आ जाते हैं काटने के लिए, आप आए हैं काटने के लिए, मेरी गुफ्तगू शुरू हुई है, आप काटने आ गए हैं बीच में। चलें बरिशा सर, मैं वाइल्ड स्टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ और मैं करूंगा अपनी बात अपने स्टाइल से। ताने देने वाले आप कौन होते हैं शहजादे और शहजादियां? आप कौन हैं? आप मुझे किस तरह दे सकते हैं भाई? तरीके से बात करें, गुफ्तगू करें। आपने ताना जनी बीज जमालों वाली शुरू कर दी है, फफे कुटनियों वाली गुफ्तगू करें। ये कौन सा तरीका है गुफ्तगू करने का? जी नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, गुफ्तगू करें ना। साइकी से निकले और फिर मेरे पे फतवे लगा रही है ये इस्लाम के खिलाफ है। आप इस्लाम, आप कौन है? आप कौन फतवा देने वाले हैं? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताएंगे इस्लाम क्या चाहता है? जी साहिल साहब, बता रहा हूँ ना आपको, अगर गलत लग रहा है तो उसको आर्ग्यू करें। आप यहाँ पे मेरी बात क्यों काट रहे हैं? आप अपने आप में रहे ना, आप मुझे किस तरह हिदायत जारी कर सकते हैं? गुफ्तगू हो सकती है लेकिन इस लहजे में गुफ्तगू नहीं हो सकती जिस तरह आप चाहते हैं कि गुफ्तगू हो। आगे आगे गुफ्तगू होगी, गुफ्तगू के अंदाज में, चढ़ाई के अंदाज में नहीं होगी। ये कौन काट रहा है, ये कौन आ गया है, इस तरह गुफ्तगू नहीं होगी। तो मुझे आफरीन है कि पाकिस्तान अपनी बाउंड्रीज में रहे। मेरी बात अपनी बाउंड्रीज में रहे। शायद आपका पाला गलत लोगों से पड़ता रहे, अपनी बाउंड्रीज में रहे, अपनी हद में रहे। जी साहिल साहब, सर आपका ना पाला गलत मुसलमानों से पड़ता रहा। इस वक्त ना आपको मैं एक बात बता दूं, आप बार बार धमकी दे रहे हैं मुझे, थोड़ा गौर से समझ। आप दे रहे हैं धमकी अपने आप में रहे, बस मुकम्मल मेरे बारे में गुफ्तगू ना करें। आप अपने हो जाने दें तो मैं अपने आप मेरे बारे में गुफ्तगू ना करें। आप जब से मैं आया हूँ आप मेरे बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक पॉलिटिशियन आया है, ये करे, ये क्यों नहीं कर रहा? अरे भाई, आप अपना, आप कौन है? आप हैं कौन? क्या आप पॉलिटिशियन है? क्या आप मजहबी? आप कौन है पहले अपना तारुफ करवाएं, ताकि मैं फिर आप सिर्फ के ऊपर बात करूँ ना। आप कौन है? आपका क्या ड्यूटी है? आपकी क्या पहचान है? आपने माथे पे क्या टैग लगाया हुआ है? मुझे वो बताएं, मैं उस पे गुफ्तगू करूं। बात एक तरफ से आ रही है, आप जरूर, आपको पूरा नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है। मैं ये किसी को हाइपर करने की बात है ना, वो जिस तरह की बात, जब से मैं आया हूँ ना, पकड़ा हुआ उन्होंने, हमारा वक्त जो है ना इसमें चला जाएगा। की क्लास में तो नहीं आया, वक्त चला जाएगा। जी साहिल साहब,
अगर मेरी बात काटे बगैर पूरी होने की गारंटी आप देते हैं वरना तो पाकिस्तान में जो भी बंदा आपके टीवी से आ रहा है जैसे ही वो प्रोवोक होता है छलांग लगा देता है बीच में। नहीं नहीं, आप भी सारी बात तफसील से सुनिएगा, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। बैरिस्टर साहब जब मुकम्मल हो जाएगी फिर आप अपना नुकसान बयान कर सकते। जी 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 जी, मेरी इस प्रोग्राम के तवसुत से ना पूरे पाकिस्तान के यूथ को बातें गुजारिश है कि ये देख लें, ये इस वक्त कौम के ये हालात हैं कि जब भी किसी का छोटा सा खुदा एक्सपोज होता है वो उसी वक्त मंदिर में आग लगा देता है। ये हमेशा से ऐसे ही होता है, ये हमारे साथ नहीं अकेले हो रहा है, ये दुनिया के हर कल्चर में ऐसे ही होता है। मेरा काम ये है कि मैं दुनिया में इस वक्त मुसलमानों की आइडेंटिटी को क्लियर करके बता सकूँ। मेरा काम दसो तदरीस है, मैं एक उस्ताद हूँ जो कि ये बता सकता है कि इस वक्त लड़का और लड़की किस तरीके से मुसलमान अपनी आइडेंटिटी में आ सकते हैं, ये मेरा काम है। आपने जो सवाल पूछा था आप कौन है, तो मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, ये इसका जवाब है। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, बीच में काटिएगा मत। मुझे अब डर लगना शुरू हो गया समा टीवी पे कि आप किसी भी मौके के ऊपर किसी भी माइक्रोफोन को ऑन करके आपस में दंगल करवाने के, वो शायद ये टीआरपी के लिए करते हो, मुझे नहीं, मुझे लग रहा है कि ऐसे नहीं होता। मैं अच्छे गुमान में उसने रन में रहूंगा कि आपके खुद भी कंट्रोल में रहा कि कौन के ये हालात हो चुके हैं। आप भी अच्छी नीयत से लोगों को बुलाते हैं, लोग भी अच्छी नीयत से आते होंगे, मगर जैसे ही पता चलता है कि नहीं यहाँ पे तो हक बात शुरू हो गई है, अचानक जो ना मेरी जो स्टेटस को वो चेंज ना होना पाए, मैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रमजान में दुआएं करने आया था, तो ये शायद इस वजह से ऐसे हो रहा है। अब जैसे ही मैं कहता हूँ कि पॉलिटिशियन को ताकत में आए तो उसको गुस्सा आ जाता है, जब मैं कहता हूँ मौलवी साहब आप ताकत में आए उसको गुस्सा आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही फिर गुस्से वाली क्या बात है, मैं कौन सा आपकी बुराई कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ आप लोगों को ताकत में आना चाहिए। आप कहते नहीं ये ख्वाब है कि मुसलमान ताकत में आ जाए, लाहौल वाला हुआ था इल्ला बिल्ला, इस्लाम एक हक है और इस्लाम एक ताकत का नाम है, ये ख्वाब नहीं है ये हकीकत है। जब आप इस बारे में सोचेंगे कि इस्लाम एक ख्वाब है नाउस बिल्ला और मुसलमान ताकत में आना एक ख्वाब है, तो फिर तो आपको हिस्ट्री पूरी डिलीट कर देनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ गौरों की ताकत में आना एक हकीकत है, उनके तलवे चाटना एक हकीकत है, बाकी सारा कुछ ख्वाब है। तो इस डिफीटेड साइकोलॉजी के खिलाफ जहाद करने का मुजाहिद मैं हूँ। तो आपने पूछा था कौन हूँ, तो मैं वो मुजाहिद हूँ। आपको कुछ शक शुबा है तो गूगल करके देख लें, अलग अलग शहरों के अंदर अलग अलग मौके के ऊपर जिन जिन कामों के अंदर मैं इन्वॉल्व हूँ उधर आके देख लें, आपको सबूत मिल जाएगा कि असल में यूथ इस वक्त वाकई में ये क्वेश्चन करना शुरू हो गया है, वाकई में दे हैव अ वेरी एक्चुअली क्वेश्चन करना शुरू हो गया, उसको आंसर मिलना शुरू हो गए कि ये पिछली दो तीन नस्लों ने जो डेफिनेशन दी थी वो मदरसे ने भी अडॉप्ट की और वो पार्लियामेंट हाउस में भी अडॉप्ट की, और इसी वजह से दोनों जगहों पे डिफीटेड साइकोलॉजी के सारे करिंदे इस वक्त बैठे हुए अपना अपना काम पूरा करें। और इसलिए गोरे को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, वाशिंगटन में वो हुक्म नहीं चलाता, वो तो देखता भी नहीं है कि हम क्या करेंगे, हम खुद हुक्म मांगने के लिए उसके पास जाते हैं। तो दिस इज अ प्रॉब्लम एंड यू बेटर सॉल्व दैट प्रॉब्लम। इफ यू नॉट गोना सॉल्व द प्रॉब्लम देन प्लीज डोंट इंटरजेक्ट इन पीपल हु आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, बिकॉज इफ यू इंटरजेक्ट देन यू आर द प्रॉब्लम। सो इट इज अ वेरी सिंपल वन ABC किस्म के करके मैं बता रहा हूँ ताकि बच्चों की तरह समझ आ जाए। इतनी उम्रें आप लोगों ने गुजार दी, एक मुफ्ती बैठा हुआ और एक सियासतदान, इसलिए ये नहीं हो सकता कि इनको समझ ना आए कि मैं क्या कह रहा हूँ, असल में इनको पसंद नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, दिस इज अ प्रॉब्लम। तो समा टीवी आपसे मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले उन लोगों को बुलाएं जिनका कुछ शऊर डेवलप हुआ हो। हर दफा आप आते हैं और मुझे पता चलता है कि वो बच्चे को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने आके अंकल के ऊपर छलांग लगा दिए, दिस इज नॉट गोना वर्क, आई एम नॉट गोना एंटर दिस प्रोग्राम अगेन। आपने मेरी तस्वीर भी लगानी है तो मुझे इजाजत से पहले गेस्ट की इंतखाब करें कि कौन से गेस्ट आ रहे हैं, अगर किसी किस्म की दानिश का कोई सबूत हो, कोई क्रेडिबिलिटी हो, तब मुझे बुलाया करें। ऐसे ना करें कि हर बंदा आके मुझसे बदतमीजी करे। आपने तो लिटरली उस पेडेस्टल की तस्वीर करवाने के लिए मुझे बुलाया है, जिस पेडेस्टल को रिप्रेजेंट करता हूँ, और वो पेडेस्टल इस्लाम का है, वो दानिशबंदी का, वो लॉजिक का है, वो बेसिक क्रेडिबिलिटी का, वो कॉमन सेंस का पेडेस्टल। जब किसी से कहा जाए कि जी ये आपके पूरे के पूरे स्टेटस को में या पूरी की पूरी तरतीब में मसला है, उसी वक्त अगला बंदा बात काट के बीच में आ जाए और आप लोग वीडियोस वायरल करना शुरू हो जाए, ये तो अब मुझे गुफ्तगु वो वाली गलती कर रहे हैं जो इन सियासतदानों ने भी नहीं की, जो आपके यहाँ बैठे हैं। साहिल साहब, किसी को ये शक हो वो भी देख लें। साहिल साहब नहीं सर, बस बस बहुत हो गई, इतना नहीं होता। साहिल साहब देखें, हर यहाँ पे बदमाशियां कर रहे हैं बैठ के। साहिल साहब देखें, दिस इज डिस्पेक्टेबल, दिस इज शेमफुल, नथिंग एल्स। देखें, दिस इज नथिंग बट शेमफुल। ये जितने बड़े पैमाने पर मुझे गुफ्तगु करने दें प्लीज। अब आप इस तरह एक को पैंपर ना ना करें, आप मुझे बात करने दें। उन्होंने इतनी गुफ्तगु मुसलसल की है, मैं बदमाशी नहीं, मुझे गुफ्तगु करने दें। आपको जरूर मौका मिला है। साहिल साहब देखें, आप ये जानते हैं बखूबी कि जिस अंदाज में गुज़श्ता चंद रोज से जब से रमजान शुरू हुआ है,
ये एक प्लेटफॉर्म है समा का, जिसके जरिए कौम को आगाही जा रही है, शऊर जा रहा है, और जिसके जरिए से एक इस्लाम का पैगाम जो आपके ख्याल में कि इस यूथ को जगाना है वो जा रहा है। इसमें रुकावटें आ भी सकती हैं, इसमें ये भी हो सकता है कि वो आर्गुमेंट जो लोग दे रहे हैं वो आपको पसंद ना आए और जो आप कह रहे हैं वो लोगों को पसंद ना आए, लेकिन यही हुस्न है कि हमने इसको आगे बढ़ाना है। अगर आप ये कह रहे हैं कि सियासतदान भी नाकाम है और उलमा भी नाकाम है, तो इसी प्लेटफॉर्म से, इसी प्रोग्राम से ये पैगाम दुनिया तक जा रहा है कि हमें बेहतरी कैसे बढ़नी है। आपका भी मकसद यही है, यूथ का भी मकसद यही है। आपकी बात अगर पूरी होगी अब तो बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं। समा का टीआरपी से ज्यादा पाकिस्तानियत और सबसे बढ़ के इस्लाम की खिदमत का जो एक अज्म है और जो वो मकसद है कि हमने हकीकी मानों में इस्लाम को पहुंचाना है वो है। बाकी बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बैरिस्टर साहब जी, आपने सुनी, देखिए पहले मैंने तो, मैं जब से आया हूं मैं गुफ्तगू अपनी कर रहा हूं, मैं किसी के बारे में गुफ्तगू नहीं करता, ये मेरा अंदाज नहीं है। ये कमतर गुफ्तगू होती है कि आप किसी फलसफे की बजाय किसी शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू फर्क क्यों पड़ता है। नहीं कर रहे, मेरी बात सुन लें, मुझे मेरी बात सुन लें प्लीज, अगर मुझे मौका दे दें। देखिए वो मुझे, अगर मैं, मेरा आपने तारुफ करवा दिया है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, तो अब सारे पॉलिटिशियंस का जवाब दे मैं नहीं हूँ। इस तरह तो अगर कोई उस्ताद बनने का दावेदार है तो पाकिस्तान के अंदर क्या ये असातिज़ा या टीचिंग प्रोफेशन सबसे अच्छा है? बेड़ा गर्क इसने किया है, हमारी बुनियादों में ये पड़ गया है। आज हमारे हाल क्या है? आज हमें दुनिया में हमारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट जाके तो किसी की यूनिवर्सिटी में बैठ सकते हैं? हमारी टीचिंग ने हमें क्या दिया, ये असातिज़ा ने क्या हमें दे दिया है कि आप दूसरे पे तनकीद करें? हर एक को अपना काम करना है। हाँ, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे मजहबी रहनुमा हों, जहाँ पे सियासी रहनुमा हों, जहाँ पे असातिज़ा हों, सब ने कमियाँ दिखाई हैं। और ये कमियाँ क्यों हैं? मेरा बुनियादी नुक्ता ये है कि किसी एक प्रोफेशन की ना मज़हब के रहनुमाओं की गलती है, ना सियासत के रहनुमाओं की गलती है। वजह यह है कि हमारी सोसाइटी अच्छे फर्द प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो ये तो बहुत पहले आएगी बात उस्ताद के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर। तो पहली बात ये है कि आप अच्छे फर्द प्रोड्यूस नहीं कर रहे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब हम अच्छे अफराद बनाएंगे, अगर आप चले जाएं सहाबे सुफा तक, तो मेरे रसूल ने किरदार साजी की है, मेरे रसूल ने अच्छे किरदार बनाए हैं। पहले आप फर्द की तरबियत करते हैं, जब आप फर्द की तरबियत करें तो वो बहुत से अफराद को बनाता है और जमात बनती है, समाज बनते हैं या लोग बनते हैं। मेरा ये सवाल है कि अगर आप तनकीदी नुक्ता नज़र से दूसरे के साथ गुफ्तगू करेंगे तो आप कोई सुपीरियर नहीं है। मैं कैसे दावा कर सकता हूँ सब में बैठे हुए कि मैं तो मुसलमान हूँ और आप मुसलमान नहीं हैं, और मैं इसे बेचने लगूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे से सवाल हुआ है, तो भाई क्या आप मुसलमान नहीं हैं? अगर हज़रत उमर को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी के ईमान पर शक करने लगे, तो किसी दूसरे तीसरे दर्जे के आदमी को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो उठे और किसी की मुसलमानियत के और अपनी मुसलमानियत को झाड़े? मैं तुम बतौर मुसलमान अपने आप को बेचता नहीं फिरता, बतौर मुसलमान मेरा काम मेरी बेहतरी है, मेरी अपनी तरबियत। दूसरी बात, मैंने ख्वाब की ये नहीं कि इस्लाम है बिल्कुल, लेकिन इस्लाम की इस पर गुफ्तगू करें। इस्लाम कभी भी तलवार के जरिए और अपनी ताकत के जरिए फैलने के लिए नहीं आया, बॉर्डर्स बनाने या ख़त्म करने के लिए नहीं आया। मैंने तो बात की है, इसका ये इल्मी जवाब देना कि किस वक़्त इस्लाम इतना ताकतवर हुआ, इतने इतने जय्यद सहाबा कराम के होते हुए, कि उसने अपनी एक फ़र्द उठा और उसने पूरी दुनिया में अपनी बात मनवा ली हो। तकसीम दर तकसीम दर तकसीम थी। जब हज़रत उमर दुनिया फतेह कर रहे थे तो उनके अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ उनकी लड़ाई हो रही थी, खालिद बिन वलीद के साथ नहीं हो रही थी। तो इसलिए ये बातें, ये ख्वाब ना सुनाएं ना बेचें, अफराद की तामीर करें, अफराद की किरदार साजी करें, और उसके लिए किरदार साजी के लिए जरूरत है जज्बातियत से परहेज करें। आप अपने आप को कोई बहुत ज्यादा ना समझ लें कि मेरे कैलिबर के लोग, हो सकते हैं आप मेरे कैलिबर के ना हो, तो ये क्या बात है? मैं तो 12 साल से नेशनल मीडिया पे आ रहा हूँ, हो सकता है आप मेरे कैलिबर के ना हो। अगर मैं देखने लगूं तो कैलिबर क्या बात होती है? अगर मेरी, मेरे पास कोई बात है तो मैं कर सकता अच्छा। हूं, अगर मेरे पास बात है, मैं कैलिबर की बात नहीं। मैं फिर इनकी सारी जाती गुफ्तगू जो कि इन्होंने इंतहाई बिलो द बेल्ट की है, मैं इन्हें यही कहूंगा कि अगर आप उस्ताद हैं तो इस पे ज़रा गौर व फिक्र करें। अल्फाज बहुत अहम होते हैं, एक दफ़ा मुँह से निकल जाएँ तो उसके बाद आपके इख्तियार में नहीं रहते, लेकिन आपका किरदार बता देते हैं आप कौन हैं,
आप क्या हैं और आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके अल्फाज बता देते हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू करें, मैं तो गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप इस्लाम, जी जी साहिल साहब, इस्लाम जो है, जी मुफ्ती साहब करना चाहता हूँ। देखें, जहाँ तक हमने गुफ्तगू सुनी और हमारे जो नाजरीन और सामईन है वो भी बड़े परेशान हो रहे होंगे इस बात से, यकीनी तौर पे जब बदमजगी होती है तो उसमें फिर मामलात ऐसे देखने को मिलते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं हम सब इसके अंदर शामिल हैं कि हमें तहम्मुल मजाजी का एक मुजाहरा करना चाहिए। जब बात हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ हो तो भी उसको बड़े आसन अंदाज से सुनना चाहिए। और देखें कि अभी जब बात हुई तो किसी ख़ास लीडर के ऊपर जब बात होती है तो जो बंदा किसी का फॉलोअर होता है उसको एक जज्बाती कैफियत बनती है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन हमें जो हकायक है ना उनको सुनना चाहिए। साहिल भाई, मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था कि जिस मामले के अंदर आप हक पर होंगे या कोई भी बंदा हक पर होगा तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मैं नहीं बल्कि पूरी कौम उसके साथ खड़ी है। लेकिन हमें बहसीयत मुसलमान तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, एक दूसरे को हमें बर्दाश्त करना ये सीखना चाहिए। एक दूसरे को बर्दाश्त, प्लेटफॉर्म है ना हमारा, ये जो एक प्लेटफॉर्म है ना, ये हमें ये दरस देता है कि हम एक दूसरे की बात को तहम्मुल से सुन के पूरी ईमानदारी के साथ हमारे नाजरीन और सामीन तक पहुंचा दें। अब आगे फैसला देखें अवाम ने करना है या जो देखने वाला है ना उसने देखना है कि मुझे कौन सी बात पसंद है। तो हमें अपनी जो एक हमारा मौकिफ है ना उसको आसन तरीके से पेश करना, यही इस्लाम सिखाता है, यही रोजा सिखाता है। तो इसी जो हम इसी बात पे बहस हो गई, ये तो आप एक मुझे से मेरी हमारा थोड़ी सी रहेगी, मेरी मौलवी साहब बात वाला क्या हो गया, ऐसे लग रहा है कि मैं लड़ रहा हूं। नहीं, लड़ नहीं रहे, लड़ नहीं रहे, सुन रहा हूं सारों से। देखिए, मैं मुझे मेरी बात क्लियर कर लेने दे पहले प्लीज, ताकि इसकी जरूरत ही ना पड़े। बात यह है कि मैंने कोई उनसे नहीं की, मैंने तो आपसे जो बात हुई, आपने कहा कि क्या ऐसे होगा, मैंने कहा हम ऐसी कौम है जो शहजादे और शहजादियों के इंतजार में रहते हैं, कोई बादशाह आएगा हमें दुरुस्त करेगा। किसी भी मजहब का, किसी भी समाज का, किसी भी तालीम का असल मकसद ये है कि मैंने खुद को ठीक करना है और फिर मैं फर्द समाज को इकाई जो है वो ठीक करेगी। मैं ये बात कर रहा था, उसे दूसरी तरह नरेट करके रोज गालियां निकाले, हमें कोई इतराज़ नहीं, ये आपका किरदार है। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए कौन साहब मोहतरमा कहाँ से हैं? जी आवाज तो आवाज आ रही है जी, कॉल ड्रॉप हो गई है, कॉल ड्रॉप हो गई है जी। हाफिज साहब, हमें रोजा जो ना अभी जो आखिरी वक्त चल रहा है, हमें ये दरस देता है इस चीज का कि हमें किसी का भी इख्तलाफ हो ना उसको तहम्मुल के साथ सुनना चाहिए और सुनने का हौसला रखना चाहिए। जब हम अपना मौकिफ पेश कर देंगे ना बड़े आसन अंदाज से, तो सुनने वाला भी उससे मुतासिर होगा। बाज दफा एक अच्छी बात होती है उसको हम बड़े अजीब अंदाज में पेश करते हैं कि सुनने वाला उसको नहीं सुन सकता, और बाज दफा एक अजीब बात होती है उसको हम अच्छे अंदाज में अगर पेश कर देते हैं ना तो सुनने वाले के शायद दिल पे वो असर कर जाए। तो हमें बासियत कौम एक दूसरे के साथ मिल के साहिल भाई और बैरिस्टर साहब, ये देखें एक उंगली है ना, ये कभी की भी किसी को नहीं तोड़ सकती, लेकिन अगर ये सारी मुट्ठी बन जाएगी ना, एक हो जाएगी, तो फिर ये बातिल साहिल साहब मुट्ठी कैसे बनेगी? साहिल साहब मुट्ठी कैसे बनेगी? सर कॉलर्स लीजिए प्लीज, मैंने मुझे सुनना है कि इस वक्त आपका यूथ क्या सोच रहा है। मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है एक 40 प्लस पे पाकिस्तान में। मैं पहले पिछले 10 साल से कह रहा ड्रॉप हो गई है, यूथ को जगाएं, हमने यूथ को और ज्यादा कॉल ड्रॉप हो गई है, कॉल ड्रॉप हो गई है, आपका मौकिफ सुनना चाहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, इब्राहिम बोल रहा हूँ जी। सर मेरा सवाल है उलमा से भी, साहिल अदीम साहब से भी, और जितने पॉलिटिशियंस है और जो लोग ये टीवी देख रहे हैं। जी जी। सर मेरा सवाल ये है कि साहिल अदीम साहब का इतना सादा नैरेटिव है, इतना आसान है, ये लोगों को समझ क्यों नहीं आता? हर बंदे इनसे इख्तलाफ क्यों कर रहा है? मुझे हैरानी इस बात पे। अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि बड़ा सादा और आसान नैरेटिव है, तो फिर साहिल साहब आप बता दें सब लोगों, कुछ लोगों की। देखिए मैंने अभी अर्ज किया ना कि जब एक किसी भी बात को हम किसी और रंग में पेश करते हैं ना तनकीदी अंदाज में, तो हो सकता है किसी के दिल पर वो अच्छी ना गुजरती हो। तो देखें मेरे करीम आका अली सलातो वसलाम ने जो हमें दरस दिया ना अखलाकियात का, किसी भी काम को हम अच्छे अंदाज में, जब हजरत इमाम हसन या गालिबन इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन दोनों में से कोई एक, उन्होंने देखा कि एक बंदा वजू सही नहीं कर रहा, तो उन्होंने ये नहीं उसको कहा कि तुम वजू सही नहीं कर रहे, उन्होंने उसको वजू सही करके दिखाया। तो जब प्रैक्टिकली एक चीज़ सामने आती है ना, तो मेरे ख्याल से ये
एक बेहतरीन सबक होगा। अब आप इस पे अपनी जी, राय जी, दें साहिल साहब। उस बच्चे ने इतना आसान सा सवाल पूछा, उसको आसान सा ही जवाब दें। जी जी बिल्कुल आसान सा जवाब बेटा ये है, और ये तमाम लड़कियां लड़के सुन लें जो इस वक्त 18 साल 16 साल और 30 साल के अंदर अंदर हैं, 35 साल में हैं, उनको पता होना चाहिए कि अगले 15 साल में ये चाहें या ना चाहें, कोई पार्लियामेंट हाउस में जो इस वक्त बंदा है वो 50 साल के ऊपर सर्वाइव नहीं करेगा। ऑब्वियसली इंसानी निज़ाम ही है, तो आप लोगों ने ताकत में आना है। बहुत आसान से बता रहा हूँ मैं, आप चाहें या ना चाहें, आपको मजबूरन मिनिस्ट्रियाँ मिलनी है, प्राइम मिनिस्टरशिप, ताकत, बादशाहत, जो भी आएगा आपको मिलना है। आप अपने करियर की पावर में जब आएंगे उस वक्त ये गौर से समझें इस वक्त के कहे गए जुमले के असरात उस वक्त होने चाहिए कि हमारे पिछली नस्लों ने कुछ छोटे छोटे खुदा हमारे अंदर तंसीब किए हुए हैं। इस्लाम उन्हीं खुदाओं को तोड़ने का नाम है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सीरा और सुन्नत साफ बताती है कि सबसे पहले अपने घर को चैलेंज करो। इन लोगों से अपना घर चैलेंज नहीं हो रहा, हम पाकिस्तानियों से, हम 25 करोड़ लोग अपने आप के ऊपर फख्र करना शुरू हो गए कि हमारे पास जो कुछ पहुंचा है सही है। नाऊज बिल्ला, हम जब सीधा की और साहबा की बात करते हैं, मैं आपको बता दूं 10,000 का बंदा, 10,000 पॉपुलेशन ने पूरी दुनिया के ऊपर इन्फ्लुएंस किया है। और मैं ऑफकोर्स राउंड ऑफ कर रहा हूँ, एग्जैक्ट स्टैट्स हैं मेरे पास, आप हैरान हो जाएंगे कि कितने थोड़े बंदों ने कितने ज्यादा रकबे और इलाके और लोगों के और नस्लों को अफेक्ट किया। अब हम 25 करोड़ हैं, ऑफकोर्स हम ज्यादा ही हैं, बताते 25 करोड़ हैं, और 2 अरब मुसलमान हैं। हमारी साइकोलॉजी इस वक्त डिफीटेड है, उसकी वजूहात पै दर पै मैं बता रहा हूँ कि जब तक हमारा लड़का और लड़की इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैं फिर बता दूँ, बाबा ने नहीं एक्सेप्ट करना, जो मर्जी कर लें नवाज शरीफ, जरदारी एक्सेप्ट नहीं करते, इनकी उम्र का तकाजा है। ठीक है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट इट, इट्स अ बेसिक ह्यूमन डिस्पोजिशन। सो बॉयज एंड गर्ल्स यू बेटर लिसन, आप लोग सुने, जब भी इनके पैरोकार आपको मिलेंगे वो इन्हीं की पूजा करते मिलेंगे। क्यों? मजबूरी है, मजबूरी है, उनकी भी आइडियोलॉजिकल मजबूरी है। आप लेकिन आपकी उस वक्त साइकोलॉजी बनी नहीं हुई, इसलिए समझ लें जब आप भी हैरान होते हैं ना, और आप तो सही हैरान होते हैं कि इतनी आसान, इतनी सादा सी बात के ऊपर ये सारे के सारे तिल मिला क्यों उठते हैं, चाहे वो मदरसे से आए हों, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस से आए हों, इतनी सी बात के काकट में आ जाओ और टेक ओवर करो। और वो कहते नहीं नहीं हमारे खुदा को चैलेंज हो। हालांकि बहुत इत्मीनान से सुने, आपके वो खुदा नहीं बने बेटा, लड़की लड़का आपके वो खुदा नहीं बने अभी। बॉयज एंड गर्ल्स यू आर स्टिल नॉट अफेक्टेड विद दिस वायरस दैट ग्रोज़ इन द ब्लड वेसल्स, नॉट जस्ट वेन्स, खुलिए में, खुलिए में नहीं खाली, खुलिए में भी वो वायरस जा चुका हुआ। इसलिए इतना आसान नहीं होता। जब भी मैं कहता हूँ ना अपने घर को फतह करो, उसका मतलब यही होता है। देखिए इन लोगों के रिएक्शन, वेन एवर आई स्टार्ट टू स्पीक, नो मैटर विच पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट दीज पीपल कम फ्रॉम, ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्ट क्विवरिंग। कांपना शुरू कर देता पाकिस्तान पूरा का पूरा जब सिंपल सा हक बयान हो रहा होता है। और क्या बयान हो रहा होता है? सिर्फ मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा का फर्स्ट डे बयान करता हूं मैं अभी, फर्स्ट डे द चैलेंज। तो आप सोचिए अबू लहब ने पत्थर क्यों उठा के मारा था मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्यों? आप क्या समझ रहे थे? दिस इज द एग्जैक्टली द सेम स्टोन, ये वही पत्थर हैं जिस पर बरसेंगे, ये वही पत्थर मिलके एक छोटा सा बुत बनाते हैं, ये वो बुतों से तोड़े हुए पत्थर हैं सर। हर बंदे ने अपना अपना बनाया हुआ है, पीटीआई वालों ने इमरान खान को, तो जरदारी वालों ने, पीपल पार्टी ने जरदारी को, तो नवाज शरीफ वालों ने यू नो जरदारी को बनाया, इन सबके अपने, और इन तीनों ने अपने अपने चौथे 4-5 बंदों ने मिलकर किसी और को बुत बनाया हुआ, एंड में आके वो बुत उस नफ्सियात का बनता है जो कि शकंजे में इस वक्त अमेरिका। मैं उनको भी जानता हूँ, वो भी हंसते हैं और छट्टे उड़ाते हैं इस बात पे कि हमने तो भी कोई तरकीब भी नहीं लड़ाई, तुम खुद ही हार गए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब में, और वो किताब मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा है। मैं फिर बता दूं, कुरान समझ नहीं आने वाला अगर सीरा नहीं समझ आई। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, ये बहुत डीप लेवल पे जाके उस वायरस गया हुआ है, इसलिए एकदम पूरा जिस्म फड़क उठता है। ठीक है, और जब मुझे मौका मिलेगा। ठीक है जी, बैरिस्टर साहब जी, पहली बात तो ये है कि बार बार ये तो दानिस्ता, तुम क्या अजीब होगरी हवाई तरफ से कर रहे हो, मुसलमान कैसे ताकत में आ सकते हो? 10,000 सामने ताकत में आए हैं आप लोग, 25 करोड़ के ताकत में नहीं आ सकते। साहब साहब क्या भाषण सुन रहे हो? बात ये है कि एक तो दानिस्ता तौर पे एक को दूसरा ग्रुप बना के दीवार की तरफ धकेल के, और मैं अपना अगर आर्ग्यूमेंट बिल्ट करूं और फिर खुद को हक कह दूं और दूसरे को बातिल कह दूं, ये जो सेल्फ राइटियस की पोजीशन है, ये मेरे ख्याल से नॉर्मल बिहेवियर वाली बात नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात ये है, मेरी बात सुने भाई प्लीज,
आपको इतराज अपनी बात काटने पे होता है, किसी की बात काटने पे क्यों नहीं होता? जो सलूक आप अपने लिए चाहते हैं दूसरों के साथ भी दुआ कर लें इफ्तारी नहीं पहले ये तो कोई बात नहीं, आप फिर उनका हमें ना बुलाया करें, आप इनका रखें और इन्हें कोई बॉयज एंड गर्ल्स दे दें, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को काबू करने का यहाँ पे गुर है। मेरा कोई मेरे लिए है, मेरे लिए कोई जरदारी साहब अहम नहीं है, मेरे लिए कोई बिलावल साहब अहम नहीं है, मेरा दीन अहम है, मेरी अपना मैं खुदा को जवाब दे हूँ, ना मेरा कोई बुत है, ना मेरा कोई बादशाह है, ना मैं किसी को जवाब दे हूँ, मैं अपने खुदा को जवाब दे हूँ। लेकिन अगर कोई शख्स अपने आप को बेच रहा है और नौजवानों और नौजवान लड़कों और लड़कियों के जहन में अपने आप को बेचने के लिए, खुद कुछ बनने के लिए मेरी कोई एम्बिशंस नहीं है, आमिर हसन की दीन के लिए ये एम्बिशंस नहीं है कि आमिर हसन लड़के और लड़कियों की जमात बनाए, आमिर हसन की ये एम्बिशन है कि मैं जब अपने खुदा के हजूर पेश हूं तो मैं सुरखरू हूं, मैंने कोई 500 बंदा लेके नहीं जाना। जिसने कुछ कमाना है दीन इसलिए इस्तेमाल कर रहा है, इसी के लिए कुरान की आयत है, ये दीन फरोश है, ये आयतें फरोश करते हैं। तो ये जो अपने आप को मुसलमान समझता है किसी को नहीं समझता, खुद को इस्लाम समझता है किसी को नहीं समझता, खुद को हक समझता है किसी को नहीं समझता, खुद ठेकेदार बना हुआ है और बच्चियों और बच्चों को ठीक करने के ऐसे पाइपर्स हमने बड़े देखे हैं, जो खुद को हक के, इसे पता है हक होता क्या है, जाइए कुरान में कॉले हक है क्या, हक के बातिल में जाए, ये हमें बता रहे हक और बातिल। चलेंगे इफ्तार के बाद والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار نسال الله العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم انا نسالك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء ربنا اغفر لنا ولاساتذتنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين انما اشكو بثي وحزني الى الله ونفوض امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب العالمين اللهم صل على محمد